बात कर रहा हूँ, वो अपने अगला पिछले महीने का हिसाब रखता है और अगला महीने उसके लिए सुधार ला के उसके ऊपर काम करता है, वो बिजनेसमैन तरक्की करते हैं। आई डोंट नो आप लोग रखे हो, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा आप लोग अपने अगर लिखे रहेंगे थोड़ा सा पन्ना पलटी और आप देखिए, एक लास्ट 2-3 महीने में आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़े भी होंगे, आज वो उतने में से 90% लोग गायब है, या पिछले 1 साल में आपकी टीम में कुछ लोग स्टार बने होंगे उसमें से बहुत सारे लोग आज नहीं है, या अगर आज डीटी से आपकी टीम में एक टीसी ऐसा होगा जो बिजनेस को छोड़ दिया होगा या काम नहीं कर रहा होगा, जो बिजनेस करना चाहिए वो नहीं कर रहा होगा। तो इसकी वजह वही होता है कि ये जो ग्रोइंग स्टेज होती है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो करना जरूरी होता है, जो कुछ चीजें आज मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। तो अभी जो चीजें मैंने सीखा है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं डीटीसी से बात कर रहा हूँ कि डीटीसी को क्या मतलब चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे मनीष सिंह सर ने लास्ट वीक में बात किया कि टीम डेवलपमेंट, देखिए दोस्तों ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ, जैसे जो जैसे मैं समझाऊं, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर ना टीम मैनेजमेंट जो होती है, टीम डेवलपमेंट जो जुड़ी है वो टीम मैनेजमेंट से ही जुड़ी है। आप टीम डेवलपमेंट को कब कर पाओगे, जब आप अपनी टीम को मैनेज कर पाओ। देखो मैं ऐसे भी डीटीसी को देख रहा हूँ जो अपनी लॉयल्टी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, है ना, इवन वो क्यों, क्योंकि उनको 2 ही लेग में उनका रिपर्चेस नहीं हो पा रहा है, 3rd लेग में रिपर्चेस बिजनेस नहीं हो पा रहा है, या उनके पास लोग नहीं है। आज ऐसे ऐसे लोग भी है जिनके पास लोग नहीं है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजह क्या होती है। अभी आपका ही टीम के अंदर देखिए कि कुछ टीसी ऐसे रहेंगे, हर किसी का एक उम्मीद होता है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ना, और आप और मेरा ये गलती आपका और मेरी नहीं है, ये है ही ऐसी है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं ना हमको ये लगता है हम टीसी बन जाएंगे ना अपना मस्त ग्रोथ होगा, और जब हम टीसी रहते हैं ना तो हमको लगता है यार अपना डीटीसी हो जाएगा ना तो अपना तो हो गया, फिर मस्त ग्रोथ होगा, फिर हम जब डीटीसी रहते हैं ना तब हमको लगता है कि यार एसटीसी बन जाएंगे ना मस्त ग्रोथ होगा, जब हम एसटीसी में रहते हैं तो आरटीसी बन जाएंगे ना तो मस्त ग्रोथ होगा दोस्तों। लेकिन एक बात मैं, मेरा लगभग 12 साल का तजुर्बा की बात कर रहा हूँ, कोई रैंक पे जाने की वजह से इंसान का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता। हाँ रैंक की बहुत जरूरी होता है टीम को मोनिटरेट करने के लिए, टीम को इंस्पायर होने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए रैंक चाहिए, लेकिन एक गलत पे में हमको कभी ये नहीं रहना है कि हम रैंक में जाने की वजह से हमारा ग्रोथ होगा, मतलब हमारा इनकम होगा बहुत बड़ा जबरदस्त ग्रोथ होगा। रैंक जरूरी है, लेकिन दोस्तों क्या होते हैं, जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, ये हर रैंक में एक एक ड्यूटी चेंज हो जाती है। जैसे आप डीटीसी हो तो आपको भी टीम मैनेजमेंट है, आज मैं सीटीसी हूँ, मैं भी टीम मैनेज कर रहा हूँ, आज डायमंड भी टीम मैनेज कर रहा है, तो हर रैंक के हिसाब से टीम का मैनेज करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाती है। अब मैं यहाँ पे डीटीसी से बात कर रहा हूँ, आपकी टीम में एक टीसी भी है, वो टीसी को भी टीम मैनेज करना है, तो उसका टीम मैनेज का तरीका अलग होता है। अब मैं अगर डीटीसी से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोग से चर्चा अभी बात आपसे करूंगा कि आपके लेवल में टीम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, जो आपकी ग्रोथ को एक बहुत बड़ा चलांग देगी, आपकी ग्रोथ को एक बहुत बड़ा मल्टीपल ग्रोथ देगी, जो आपको फास्ट ग्रोथ करने में आपको हेल्प करेगा, जो एक डीटीसी लेवल या जेटीसी एसटीसी लेवल जो भी रैंक यहाँ पे होल्डर बैठे हैं, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो टीम मैनेजमेंट जिसको टीम मैनेज बोलते हैं, टीम मैनेजमेंट बोलते हैं, जो करना बहुत जरूरी है, अब उन लोगों के ऊपर नजर घुमाइए जो टीम को मैनेज नहीं कर रहे, आज वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। अगर आप उन लोगों के ऊपर नजर घुमाइए जिनके पास रैंक तो है लेकिन टीम नहीं है, क्योंकि वो टीम को मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो टीम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी देखिए टीम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, अभी डीटीसी को या यहाँ पे जेटीसी कोई भी लीडर यहाँ पे बैठा, तो आपको किस में फोकस ज्यादा करना चाहिए दोस्तों। अगर आप सबसे पहली बात, आप लोग अपने आप के लिए टीम मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हो तो अपने आप के लिए एक सिस्टम डाल दीजिए, खुद के लिए एक सिस्टम डालिए कि आप अपना टोटल टीम का जो वर्क का जो डाटा है वो मेंटेन करना चालू करें सबसे, क्योंकि टीम मैनेज करने के लिए ये जरूरी है, इसके बिना आप बोलते ना चाबी खोलना, ताला खोलना है तो चाबी की जरूरत है, ताला खोलना है चाबी की जरूरत है, चाबी कौन है, आप है, सही है ना। अगर आपका बिजनेस की ग्रोथ अगर आप करना चाहते हो, टीम मैनेज करना चाहते हो, टीम मैनेजमेंट आप करना चाहते हो, तो मैनेज कब कर पाएंगे, जब आपको क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, उसकी कुछ हाथों में तो आपका होना चाहिए, तो उस
की टीम में आज के दिन में कितने प्लान हुए, कितना प्लान हुआ मेरी टीम के अंदर आज के बाद, आज के दिन में मेरी टीम में कितना रिटेल मतलब प्रोडक्ट प्रमोशंस हुए, समझ में आ रहा है, कितनी क्लोजिंग्स आए, कितनी हाउस सेटिंग्स हुए। तो ये जो बिजनेस डाटा बोलते हैं जिसको, इसको बोला जाता है बिजनेस डाटा, जिसको फॉलोअप भी बोल सकते हैं कि मेरी टीम में कितनी फॉलोअप हुआ, ये पूरा एक आप है ना, दो डायरी आपके पास होना चाहिए। एक डायरी होता है कि जो लर्निंग, जो ट्रेनिंग में जाते हैं उसको लिखने के लिए होता है, एक जो होती है जो आपका वो ग्रंथ के हिसाब से आप उसको मानो और पूजा करो, वो है बिजनेस डाटा डायरी। जो बिजनेस डाटा जो डायरी है वो अच्छा सा वाला एक डायरी लो 200-300 रुपए का, उसमें एक डेट डालो डेली डेली पेज में, और वो डेट के हिसाब से वो पेज में लिख के टीम में 4 TC है तो ये टीसी कितना हुआ, ये टीसी कितना हुआ। तो आप वो चीज को क्या करें, मेंटेन करना चालू करिए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप भी यही होता है कि आपका बिजनेस डाटा आपको मेंटेन आपको करना है डेली, एवरी डे। मैं तो बोलता हूँ आप, मैं तो बोलता हूँ काम करिए दोस्तों कि एक टीसी वाइज समझो, अगर आपकी टीम में 4 TC है तो आप एक डायरी में लिखिए कि टीसी लिखिए और उसका नाम लिखिए, उसके लिए एक पेज रखिए, उसके बाद एक महीने का 30 पन्ना छोड़ के और एक टीसी का नाम लिखे, ताकि वो टीसी का डेली वर्क आप नोट कर सके। आपको पता होगा कि आपकी टीसी में कितना, टीसी के अंडर में कितना प्लान हुआ, कितनी प्रमोशंस हुए, कितनी क्लोजिंग्स आए, कितनी हाउस सेटिंग हुआ है ना, कितनी फॉलोअप हुए, वो टीसी के अंडर में क्या क्या काम हुआ ये दिन में, ये आपको पता होना चाहिए। जो लीडर, जो डीटीसी एंड अबोव लीडर यहाँ पे बैठा, ये काम अगर वो कर सकता है तो टीम मैनेजमेंट कर मैनेज करने को सबसे पहला स्टेप कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहे, अगर आपके पास ये होल्ड नहीं है, आपका पास ये कुछ भी नहीं है, आप ये नहीं कर पा रहे, तो आपकी ग्रोथ होगा, मैं नहीं बोल रहा होगा, आप आज डीटीसी है, आप जेटीसी रहेंगे, कोई भी रैंक में रहेंगे, आज आपके पास 25 लोग होंगे, अगली रैंक में जब जाएंगे ना उतना ही लोग रहेंगे, जब अगली रैंक में जाएंगे ना आप उतने ही लोग आपके पास रहेंगे, आप जितनी भी रैंक पार करें आपके 25-50 लोग ही रहेंगे, मतलब जो जुड़ रहे हो निकल रहे, जुड़ रहे निकल रहे, जुड़ रहे निकल रहे, आपके पास ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है कि कितना जुड़ रहे कितना निकल रहे मालूम ही नहीं है। अगर आप डाटा होता कि डेली डाटा, भाई मेरी टीम में इतना ज्वाइन हुआ है, तो वो डाटा रहने पर आपकी टीम में कितने जुड़े, उसके ऊपर क्या कार्यक्रम हो रहा है ना, वो सारा चीज आपके पास डाटा रहेगा। और आपको सच बता दो, ये डेली जब मेंटेन करोगे पूरी मंथ, अभी 108 चल रहा है, 108 चल रहा है, जब ये 108 पूरा खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, फिर उसके बाद देखना, एक बार काउंटिंग करना आपकी टीसी के अंडर में 108 नंबर में कितनी टोटल प्लान हुए थे, कितनी ज्वाइनिंग्स आए थे, कितनी फॉलोअप आए थे, कितना फॉलोअप हुआ, कितनी रिटेल्स आया, ये सब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टीसी के अंडर में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। कोई टीसी के अंडर में प्लान कम हुए रहेंगे, कोई टीसी के अंडर में फॉलोअप कम हुआ रहेगा, कोई टीसी के अंडर में रिटेल कम हुआ रहेगा, क्या कोई टीसी के अंडर में हाउस सेटिंग हुआ नहीं रहेगा, तो ये डाटा आपके हाथ में आएगा, यानी कि बीमारी क्या है वो समझ में आएगा, तो आपको फिर समझ में आएगा कि ये महीने में मुझे किस तरह से वर्क करना है, 109 में मुझे कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, किस गलती को मेरी टीम का मुझे सुधारना है। तो क्या होते हैं, वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे रमेश सर बैठे हैं, इंसान को जब बीमार आता है तो उसको डायग्नोस करना पड़ता है कि इसको बीमारी क्या है, तो ही दवाई दे पाएंगे, डायग्नोस करेंगे तो ही दवा दे पाएंगे ना, अगर डायग्नोस ही नहीं हुआ तकलीफ क्या है तो बीमारी दवा क्या देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने बिजनेस के ओनर बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी छोटा आदमी नहीं बैठा है, यहाँ पे बिजनेस की ओनर बैठे हैं, तो आपकी टीम का तकलीफ बीमारी डायग्नोस होना चाहिए कि क्या हो रहा है, या अच्छाई भी डायग्नोस होना चाहिए कि टीम में अच्छाई क्या चल रहा है, उसको और कैसे बढ़ाए, तो उसको डायग्नोस करना है तो आपके पास पूरा कुंडली होना चाहिए। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आया रहेगा तो एक बार आप बोलिए यस सर सही है और हम लोग मेंटेन करेंगे, और जो नहीं कर रहे वो करिए, जो कर रहे कोई बात नहीं, यस सर, यस सर, हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, एक काम आपको करना है, जब आप ये चीज को जब मेंटेन करेंगे ना, रात को सोने से पहले इसको लिखना है, जो मैं करता था सर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अगर करते लिखते हो रात को सोने के पहले आपकी डाटा, आपकी टीम में जो आए हैं, यहाँ पे उज्ज्वला मैडम बोलिए हम मेंटेन करेंगे डेली रिपोर्ट, ओके। सो आप लोग जब इसको लिखेंगे,
एक सिंगल फोटो लेना और आपका जो भी अपलाइन है, अगर यहाँ पे एसटीसी लिखते हैं तो आरटीसी को भेजना, यहाँ पे डीटीसी लिख रहे तो एसटीसी को भेजना, या आपको कोई ग्रुप है डीटीसी है वो का, आपकी टीम लीडर का, तो उसमें आप पोस्ट कर दीजिए ताकि आपकी अपलाइंस को भी पता चल जाए कि आपकी टीम में हो क्या रहा है। क्योंकि जिस लीडर के नजर में, जिसकी लीडर की नजर में जब आप आते हो आपकी अपलाइन की नजर में, तो आपकी ग्रोथ सही होता है और आपको गाइड करता है। आज वो गाइड करते हैं कि उसको भी पता रहता है कि आपकी टीम में हो क्या रहा है, वो आपको गाइड कर पाएगा। तो सबसे पहले बात है मेंटेन आपके लिए आप करोगे, और ये आपको देखना बहुत अच्छा एक ऊंची छलांग मारने में, टीम मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि टीम मैनेज तब किया जा सकते हैं आप, कि आपकी टीम में हो क्या रहा है और किसकी प्रॉब्लम से किसकी अच्छाई है, कहां क्या सुधार लाना है, क्या सुधार नहीं लाना है, और कहां पे सुधार की ज्यादा जरूरत है, वो सारा चीज तब समझ में आएगा जब आप ये सारा चीज मेंटेन करें। तो दोस्तों मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, मैं भी आप लोगों का अप्लाई नहीं हूँ, मैं भी टीम फोर्स का एक हिस्सा हूँ जो टॉप लीडर्स में मैं भी आता हूँ, और मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग ग्रोथ करें, एनटीसी बने, सीटीसी बने, आईटीसी बने, डायमंड बने, हम लोग भी यही चाहते हैं। और दोस्तों ये सारा चीज जो हमने किया है वही आपको बता रहे हैं, मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूँ और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें जरूर मेंटेन करिए, इस बिल्कुल लापरवाही मत करिए। इसमें लापरवाही करने से आपकी टीम में कौन आ रहे, कौन जा रहे, क्या हो रहे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और आपको दोस्तों जब आप अच्छे रैंक में जाएंगे ना, तो आपके पास लोग नहीं रहे। क्योंकि मैं आज से कुछ दिन पहले जब गुरु पूर्णिमा था, उस दिन मैं फोन करने से पहले मेरी गुरु ने मुझे फोन किया था। आप सबको जानते ही है, जो हमारे ग्रेट मेंटर है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और मेरे रोल मॉडल है जो शिव कुमार सर है, जिनको मैं, वो अगर मुझे एक बार मिलते हैं 6 महीने के लिए मेरा काम होता है। मेरे को एक 15-20 मिनट उनके साथ बैठ जाता तो मेरा 6 महीने का काम हो जाता है भविष्य के। तो उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने कॉल किया, भाई बेटा तू तो कॉल नहीं किया, चलो मैं तेरे को कॉल करता हूँ। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी दोस्तों, उन्होंने क्या बोला था कि नागो देख भाई, तू रैंक को हासिल कर, लेकिन साथ में ना तू ध्यान दे कि तेरी टीम की साइज बढ़ रहा है कि नहीं, तेरी टीम की साइज की कैपेसिटी बढ़ा। साइज कैपेसिटी से बढ़ाना मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं राकेश चौधरी को, चौधरी सर को देख पा रहा हूँ। अगर राकेश चौधरी सर आज एटीसी पर स्टार सिल्वर है, तो राकेश चौधरी सर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी टीम का जो साइज जो है आज 20 लोगों का है, जो 108 चल रहा है। जब ये 109 और 110 में जाएंगे, जो 110 में जाने के टाइम राकेश चौधरी सर का जो टीम की साइज जो होना चाहिए, एटलीस्ट 5 से 10 लोग की साइज बढ़ जाना चाहिए। समझो 20 है तो वो 30 होना चाहिए। तो राकेश चौधरी सर क्या कर रहे, ग्रो कर रहे हैं। राकेश चौधरी सर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह मेरे उन्होंने ये बात कही थी कि तुझे ये बात में ध्यान देना है तो तेरे को टीम की साइज बढ़ाने के ऊपर सोचना है। इनकम अपने आप आती है, इनकम नहीं तेरे को टारगेट करना, तेरे को साइज बढ़ाने की टारगेट करना है। ये एक एडवांस बात है जो मैं डीटीसी को आज मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, और ये होना भी चाहिए और आप लोग को इसके ऊपर ध्यान रखना भी चाहिए। और टीम साइज कैसे बढ़ेगी जब आप ये चीज को मेंटेन करेंगे जो मैंने आपको बोला। नहीं तो सर आज क्या हो जा रहा है मालूम है कि आज टीम में ऐसे भी हो जा रहा है कि लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं और प्रोडक्ट देने के बाद उनको बस उसके बाद दूसरी बार भी दे रहे, तीसरी बार भी दे रहे हैं कि बहुत सोल सिर्फ रिटेल ही कर रहे हैं, लेकिन जिनको प्रोडक्ट दिया गया है क्या उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी तो बनाया जा सकता है। अब उनको कैसे बनाएंगे जब आपको ये पता नहीं है कि आपकी टीम में कितने लोगों को रिटेल हुआ है। 1 महीने में कम से कम 15 लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है, क्या वो 15 लोगों को मीटिंग में इन्वाइट करना या 15 लोगों को जाके प्लान दे नहीं सकते है? ये कब पता चलेगा, जब आपको पता होगा कि आपकी टीम में कितने लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है। सिंपल है, तो ये होना जरूरी है। और ये आप नहीं करेंगे ना सर, आपको ये भी बताता हूँ मैं, आपको सच्चाई बताता हूँ, बहुत सारी टीम के अंदर झोल झपाट भी होता है, बहुत सारे लोग झोल भी कर जाते हैं, तो ये सारा चीज जो होती है ना, आपके पास डाटा रहने पर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा और देखना बहुत बड़ा एक चलांग मारोगे। पहला स्टेज होता है जो ये डाटा मेंटेन करते हैं। ओके, आप लोग सब करिए। तो मैं आपको अभी दूसरी जो बातें करूंगा, ये हो गया पहली बात है जो आपको सेल्फ में अंदर बदलाव लाना है। और यहाँ पे जितनी भी एसटीसी आरटीसी जो भी यहाँ पे बैठे, अगर आप में से आपका जो भी डीटीसी एटीसी या स्टार सिल्वर जो भी है, अगर मेंटेन इसको नहीं करता है, अगर आपको आके कभी वो बोलता है कि सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको जरूर ये बोलना है कि भाई नागेंद्र पुजारी ने एक बात बोला था कि तुमने उसको मेंटेन क्यों नहीं किया। क्योंकि कोई भी अगर बंदा ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो उसके पीछे मेन वजह वो होगा कि वो अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रखा।
मैं कुछ बिजनेसमैन के अगर भाई बात करो, वो लोग भी ये चीज को करते हैं कि लास्ट एक साल में लॉस प्रॉफिट क्या है उस चीज को देखते हैं, उलझना सेट और लाइबिलिटी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर और बातें मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग सब समझदार है, आप समझ गए होंगे। और टीम फोर्स के DTC है और स्टार सिल्वर है आप लोग, और आप लोग को इशारा काफी होता है समझने के लिए, तो जरूर इसके ऊपर ध्यान रखिएगा और इसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करिए, आपका ग्रोथ होने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं टीम मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में आपको बताया, ओके, अब सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हो सेकंड स्टेप, चलिए बात करें। यस सर, हम आपके साथ हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, यस सर, यस सर, ओके ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए हम चलते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, हम बात करते हैं। यस सर, स्टेज जो सेकंड स्टेज होता है जो टीम मैनेजमेंट का, वो ये है दोस्तों कि आपको आपकी टीम के अंदर, अभी समझो यहाँ पे एक स्टार सिल्वर बैठा है और यहाँ पे एक DTC लीडर बैठा है, तो आपकी जो निगराई, जो आपका बोलता ना एक तीसरी आंख जिसको बोला जाता है CC कैमरा, जो आपकी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, आपका पूरी फोकस उन्हीं लोगों के ऊपर होना चाहिए जो आपकी टीम में जो स्टार है, जो स्टार लीडर्स है, पूरी फोकस, और उनके साथ में जो आपका जो रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप उस तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल वाला और एक ईमानदार एथिक्स वाला रिलेशनशिप, उसको ये बिजनेस में NTC बनाने का सोच वाला एक रिलेशनशिप, एक बढ़िया सा आपके स्टार एंड एबो के साथ में होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है स्टार एंड एबो के साथ। शिव कुमार सर, मुझे आज से कई साल पहले, मतलब मैं जब स्टार था, मतलब 5,000 रुपए में कमाया था, संदीप भाई की आवाज आ रहा है, ओके, तो जब मैं 5,000 रुपए में कमाया था, तो वो टाइम पे हम लोगों को एक मीटिंग दिया जाते थे, चलिए वो टाइम पे शिव कुमार सर हमको थोड़ा सा वो टाइम पे मिलते थे, ऐसा कोई प्रोग्राम के अंदर जो जिसको LDP बोलते थे हम लोग, तो 2 दिन का वगैरह होता था, तो उसमें ना शिव कुमार सर एक हमेशा एक बात बोलते थे कि बोलते ना कि लोगों के दिल में इमोशनल अकाउंट बनाओ, इमोशनल, जैसे हम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट बनाते हैं उसी तरह आप अपने लोगों के दिल में इमोशनल अकाउंट बनाओ। इमोशनल अकाउंट मतलब क्या है कि आपके स्टार एंड डबो के लिए, डबो के दिल में आपके लिए एक अच्छा बोलते ना इम्प्रेशन होना चाहिए, एक अच्छा इमोशंस होना चाहिए कि यार ये मेरे लीडर है, ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा मतलब बोलते ना कि मॉनिटर है जो मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करे, आपको लेकर एक अच्छा उनके पास एक थॉट होना चाहिए, आपको लेकर अच्छी सोच होना चाहिए और अच्छी एक इमोशंस उनके पास उनके आपके लिए होना चाहिए। मैं शायद आपको समझा पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही जरूरी, मतलब शिवकुमार सर की बात है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसके लिए उनकी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ और उनकी बातें ही जो उन्होंने हमको सिखाई वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये बात मुझे बोला था वो टाइम पे 5,000 जब मैंने कमाया था कि नागू अगर तुझे ग्रोथ करना है कि तो लोगों के दिल में इमोशनल अकाउंट बना, क्योंकि लोग है ना शायद माय लाइफस्टाइल को छोड़ सकते हैं तकलीफ आने पर, लेकिन तू इतना अच्छा उससे रिलेशन बना के रख ताकि वो माय लाइफस्टाइल छोड़ने की मन में आ सकता है लेकिन वो तेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, एटलीस्ट तेरे लिए रुकेगा, नहीं यार ये आदमी मेरे को है ना कुछ आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इंसान लोग है ना कंपनी को तुझे देख के ना तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रहते हैं उनको, भाई मैं सही आदमी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि इंडिया में फॉलोअर ज्यादा है लीडर्स कम है, इंडिया में फॉलोअर ज्यादा है क्योंकि इंडिया में फॉलोअर को फायदा किया जा रहा है। हमारे बच्चों को हम क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी कर, अच्छा पढ़ाई कर, कभी भी राजा बनने के बारे में हम बात नहीं करते, इसके लिए मार्केट में लोग फॉलोअर बनने के हिसाब से सीख के आ जाते हैं हमारी टीम में, और उनको कोई ना कोई एक लीडर की जरूरत होता है, कंपनी अच्छी उनको पता है लेकिन यार सही लीडर की जरूरत होती है, नहीं यार ये इंसान के साथ मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रोथ होगा, तो उसके लिए इमोशंस अकाउंट आपके स्टार एंड अबव के दिल में आपके लिए जगह चाहिए, बहुत जरूरी होता है। जैसे सेविंग अकाउंट बड़ा रहेगा तो आपके मस्त आपका कुछ आप खुश रहोगे, सेविंग आपका अकाउंट खाली है तो आप टेंशन में रहोगे, उसी तरह आपके स्टार एंड अबव के दिल में अगर आपके लिए जगह है तो आपके काम मस्त चलेगा, और उनके दिल में आपके लिए अच्छी जगह नहीं है तो आपके काम बिगड़ने वाला है पक्का। और शिवकुमार सर ने एक बात और बोला है, अगर समझो यहाँ पे मैं राकेश चौधरी सर को देख पा रहा हूँ, अगर राकेश चौधरी सर सर का दिल में मेरे लिए एक अच्छा इमोशंस है, यार नागेंद्र पुजारी अच्छा आदमी है, यार मैं सही आदमी के साथ जुड़ा हूँ, तो ये उनके उनको दिल में
आज उनके लिए अच्छे इमोशन से मेरे लिए, लेकिन इसका उसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन एक बात याद रखना, वो कब बोलेगा मालूम है, जब उसके दिल में इमोशंस अकाउंट की परसेंटेज कम हुआ रहेगा। आपके प्रति जो प्यार होना चाहिए बिजनेस के जो प्रोफेशंस के अंदर जो होना चाहिए वो कम हुआ है, इसके लिए आपके खिलाफ उसको नफरत है। तो आपको क्या करना है, वो कम नहीं होना चाहिए, हर दिन डाल दो, बढ़ते रहो, अलग मतलब वो कैसे रहो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी बोलते हैं इमोशंस अकाउंट कैसे बढ़ाना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये बहुत जरूरी वाला बात है, क्योंकि एक इंसान को अगर मुझे किसी को कोई बात बताना है वो बात मेरा कब मानेगा, जब उसके दिल में मेरे लिए कुछ रेस्पेक्ट रहेगा तो ना। यहाँ पे दीपक साहू जी हो, यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं रमेश पुरोहित सर हो या जगदीश चौधरी सर, अगर इनको मैंने कोई काम बोल दिया हाँ सर मैं करता हूँ, ये कब बोलेंगे मालूम है, इनके मन में मेरे लिए कुछ तो रेस्पेक्ट होना चाहिए तब ये करेंगे। अगर मेरे में रेस्पेक्ट नहीं है, एक तो करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो भी दो चार गाली देंगे, साला कुछ भी बोलता है ऐसा बोल के, वो काम भी बराबर नहीं करेंगे और उससे नुकसान उनका भी होगा मेरा भी। तो आपको ये चीजें मेंटेन करनी होगी। ये कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करूंगा, जो ये बात आप लोगों को समझ में आया रहेगा। इमोशनल अकाउंट क्या करना है, अपने को अपनी स्टार एंड अबव के ऊपर हमको फोकस करना है, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है जो बिजनेस की प्रति चाहिए, जो बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, जो उनको आगे बढ़ाने को लेकर जो होती है, जिसमें एथिक्स होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है, कपट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप बना के पैसा मांगते हैं, गलत गलत काम करते हैं या कुछ और रिश्ता बना देते हैं, वो सब नहीं। एक एथिक्स है बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले, एथिक्स वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, ईमानदारी वाला, याद रखना। ये मेरी बात ध्यान में रखना, एक्स वाला रिलेशनशिप उनको बिजनेस में बनाने को लेकर लोग अच्छे अच्छे रैंक में निकल गए एसटीसी तक, मैं एक डबल एसटीसी को लात मार के निकल गया हूं रिलेशनशिप बिल्ड करने की वजह से, दो दो आईडीपीसी था निकाल दिया भगा दिया, और टीम फोर्स में कल्चर है ही नहीं है, तो उसके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे। मेरा कहना यह है कि आप जिसमें बहुत ही अच्छा बोलते हैं नियत होना चाहिए, वैसे रिलेशनशिप उनकी इसमें उनको आगे बढ़ाना है, उनकी माँ बाप के सपना पूरा करना है, उनकी बीबी बच्चों को सुरक्षा देना है, उनकी बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, है ना, उनकी फैमिली में उनकी रोशन हो जाए, ऐसा कुछ नियत वाला माइंड रख के वो रिलेशनशिप उनके थ्रू से आपको बना के आगे चलना है, जो स्टार एंड अबव के साथ जो आपकी कंट्रोल होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं कि भाई आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो अभी आपको अगले अगले स्टेप क्या होना चाहिए और अच्छे रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लोगों के मतलब बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप अच्छा मजबूत करना है, सबसे पहली बात आप है ना स्टार एंड डेबो का है ना एक हफ्ते में, अगर आप अपने अप्लायंस भी बात करिए क्योंकि मैं तो गाइड कर दूंगा, लेकिन एक बार आप अपने अप्लायंसिस के ऊपर जरूर कंसल्ट करिए, कम से कम हफ्ते में एक बार आपके स्टार एंड डेबो के साथ में एक वर्कशॉप आप चालू कर दो, 2 से 4 घंटे या 2 या 3 घंटे का। अगर आपके पास ज्यादा स्टार है तो टीम वाइज कर दो, आपका टीसी लेवल में ऑर्गेनाइज करा दो और उनके साथ में आप उतर जाओ, वहां पे कोई लीडर को नहीं, आप लेके उनके साथ बैठो, एक वर्कशॉप चालू। अच्छा, वर्कशॉप किस तरह से चालू, ये इससे क्या रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको, देखिए हर लाइफलाइन खुश कब रहता है, जब उसको पैसा आता है, वो अपलाइन को बोलेगा, जब पैसा नहीं आता है ना तो अपलाइन को गाली भी देता है, वो कंप्लेंट भी वही चालू कर देते, पैसा नहीं आ रहा है, अपलाइन कुछ कर नहीं रहा है। अब जो जिसको पैसा आता है ना वो हमेशा अपलाइन मेरा भगवान है, वो है, उसने ये किया वो किया, आगे बढ़ेगा बहुत कुछ करेगा। जब सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, भले 1000 रुपए आवे, पैसा आ रहा है तो भाई अच्छा है, मेरा अपलाइन अच्छा है, टीम फोर्स अच्छा है, माइलेज अच्छा है। पैसा नहीं आ रहा है, भले यार वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर, अपलाइन को भी गाली देगा, लाइफलाइन को भी गाली देगा। तो अभी पैसा आता कैसा है भाई, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि अपलाइन की बदौलत कुछ लेवल तक पैसा आ सकता है, बाद में पैसा अपनी अपने दम से ही आता है, आपको ये मालूम है, बाद में अपनी दम तो भी लगना जरूरी है। तो क्या करना है, अभी वर्कशॉप क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, आपकी टीम में अगर कोई टीसी है ना, टीसी अगर बनता है ना,
वो है ना एटलीस्ट है ना सर अपनी इनकम हफ्ते के 2000 निकालने की ताकत रखे, एटलीस्ट 2000 निकालने की ताकत रखे, 2000 रुपए हफ्ते का, महीने का 8 से 10 हजार रुपए निकले का मिनिमम, इतना ताकत रखे अपना खुद के दम से। मैं समझा पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप बैठे है, वो चाहते है कि उनकी बेटा एक लायक बेटा बने ना कि नालायक बेटा बने। कोई ऐसा चाहते कि मेरा बेटा नालायक बने, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा एक लायक बेटा बने जो एक जिम्मेदारी उठाए है ना अपनी जिंदगी की और अपनी माँ बाप की, अपनी परिवार की। हर कोई माँ बाप चाहते हैं, सच्चाई है चाहते हैं, तो उसी तरह हम भी ये चाहना चाहिए कि भाई हमारे टीम में जो टीसी आता है ना एटलीस्ट सर वो अपनी जिंदगी अपनी बिजनेस के अंदर हफ्ते के 2000 तो हफ्ते के निकलने की ताकत वो रखे, लायक बने। वो कब बन पाएगा, जब उसको, जब वो स्टार बनता है उसको बोलते हैं ना खेलना थोड़ा सिखाना है। क्या सिखाना है? अच्छा अब मैं उसमें एक सवाल आप लोगों को करता हूँ, राकेश चौधरी से, अभी मैं उनको ही देख पा रहा हूँ तो उनको एक सवाल करता हूँ। राकेश चौधरी सर आप मुझे बताइए, अगर आपको एक इंसान को, एक एक नए आदमी को आपकी टीम में अगर आपको जोड़ना है, आपको क्या क्या आना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू वेरी मच सर जो आपने हमसे पूछा सर। किसी को जोड़ने के लिए सर सबसे पहले तो रिलेशनशिप चाहिए सर, कि उनसे जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो उनको लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ जो है ये करने के लिए आए हैं। और नए लोगों को जोड़ने के लिए सर हमको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि जिस सिस्टम में हम जो काम कर रहे हैं यहाँ से एक जो है बेहतर। राकेश जी मैं थोड़ा सा और, आप सही बता रहे हो लेकिन थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अगर मुझे ये बिजनेस में आपको जोड़ना है, आपका मैं दोस्त हूँ समझो, ओके सॉरी, आपका मैं दोस्त हूँ, आपको और मुझे जोड़ना है, आपका दोस्त हूँ, मेरा रिलेशनशिप सब कुछ आपके साथ अच्छा है, अब मुझे जोड़ना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए बताने के लिए, क्या क्या आना चाहिए? आप ये बिजनेस में आपके अपलाइन नहीं है साथ में, आप ही हो और आप मुझे जोड़ोगे तो आपको क्या क्या? इनकम प्लान आना चाहिए सर। इनकम प्लान मतलब महीने एक्सेल का जीटी जो प्लान होता है, प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसको, आपको आना चाहिए। ओके okay, कोई भी टाइप मत करिएगा, कोई भी मैसेज मत करिएगा, मैं जिनको पूछूंगा वो लोग बताएंगे, प्लीज बोलिए सर। प्लान आना चाहिए और इनकम प्लान आना चाहिए। हम लोग जो 5P पैरामीटर्स बताते हैं कि कैसे एक बेहतरीन कंपनी में जो है, बिल्कुल चलिए मैं पकड़ ले तो इनकम प्लान आना चाहिए, बिल्कुल आप सही बोले। और वो 5P पैरामीटर्स है सर, ताकि लोगों का भटकाव नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग का पावर दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। नहीं मेरे हिसाब से एक आदमी को जोड़ने के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन काफी है, उसके बाद अगली जो पॉइंट है बहुत जरूरी होता है वो बताइए। ओके प्रेजेंटेशन जी सर, प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग का एक फॉलोअप होता है सर। फॉलोअप जी सर। ओके आई थिंक फॉलोअप के पहले भी एक काम और होता है सर, फॉलोअप के पहले सर सॉरी दो काम होता है और इनविटेशन भी है सर। पहले इनविटेशन तो प्रेजेंटेशन दे दिया ना सर आपने जी सर, लेकिन ये भी आता है, इनविटेशन भी आता है जोड़ने में, इंसान को इनविटेशन भी आना चाहिए, प्लान देना भी आना चाहिए, फॉलोअप भी जरूरी है, सही बात है जी सर। अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा सर, कोई बात नहीं चलिए। ओके चलो हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कोई जो बैठा होगा अपना नया जो बने होंगे, कोई है ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे स्टार सिल्वर है और डीटीसी है, यहाँ पे वीडियो शायद सबका ऑफ है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। अच्छा डीटीसी कोई सुरेश राठौड़ करके है भाई, आप मुझे देख पा रहे हो सुरेश भाई? यस सर। हाँ नमस्कार, कहाँ से आप? मुंबई से है? हाँ सर, नालासोपारा से। नालासोपारा, ओके वेरी गुड। सुरेश भाई बताइए कि एक आदमी को जोड़ने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, आपको क्या क्या आना चाहिए? सर एक आदमी को जोड़ने के लिए जैसे कि प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए। ओके हैंडलिंग वगैरह करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है, पहली बात तो आप बोले कि प्लान देना आना चाहिए, दूसरा क्या बोला आपने? क्लोजिंग करने के लिए ऑब्जेक्शन उसके जो हैंडल है वो करना आना चाहिए हमको। वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है। उसके बाद हमारा जो जो हमारा गोल है उसके सामने हमको सही से रखने आना चाहिए। ओके क्या बताना चाहते हैं? ओके बताना
ओके फिर उसके बाद जो भी कंपनी का जो बेसिक लेवल में होता है आईडी बनाना केवाईसी करना ये काम है उसको बेसिक पूरे आने चाहिए। वेरी गुड सारे काम आने के बाद वो अपने से मतलब 2000 का जो इनकम वो क्रिएट कर सकता है बराबर चार लेवल पे वो जोड़ सकता है कौन अपनी इनकम निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर आपने बहुत सारी बातें बोला। चलिए आपके लिए एक मेरी तरफ से मेरी सिर्फ मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए है ना वेरी गुड बहुत अच्छी बात आपने कहा है थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए दोस्तों मैं स्टार के वर्कशॉप करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ और आपके टीसी जब वो आपके टीसी जब स्टार जब टीसी बनेगा तो कम से कम 2000 अपनी इनकम निकल पाए वो कब बन पाए जब उसके ऊपर स्टार में चालू करोगे तो आप एक स्टार को एक आदमी जोड़ने वाला काम उसके पास मालूम होना चाहिए। एक आदमी को जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहली बात सबसे पहला काम होना चाहिए कंटेंट इनवाइटिंग। अगर आपके एक स्टार है वो स्टार के अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर है सही है अभी समझो मान के चलो राकेश चौधरी सर का टीम में एक स्टार है और स्टार के अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर है अब वो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेंट इन्वाइटिंग करवा के लेना पड़ेगा सही बात है सही है कि नहीं तो कॉन्टेंट इन्वाइटिंग कराने वाला एक मतलब बातें उसको आना चाहिए कैसे इन्वाइटिंग करवा के लेना है कुछ टेक्निक्स आना जरूरी है। उसके बाद एक स्टार को यह भी मालूम होना चाहिए कि स्टार एंड डेबो को बोल रहा हूँ मालूम होना चाहिए लेकिन अभी मालूम नहीं है सिखाएंगे आप जाके अभी ये ट्रेनिंग मत देना कि नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए नहीं वर्कशॉप करना मैं बता रहा हूँ किस किस चीज का वर्कशॉप अभी हफ्ते में एक दिन आपको करना है पहले आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्टेंट इन्वाइटिंग कैसे किया जाता है उसकी वर्कशॉप करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी होता है। अगर इन्वाइटिंग होने के बाद प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए प्लान देना आना चाहिए। अगर आपकी टीम में 10 स्टार है 10 स्टार लोगों को अगर प्लान देना आता है तो भाई वो 10 लोगों को प्लान दे पाएंगे आपकी टीम में एक दिन में 10 प्लान हो सकता है तो प्लान प्रेजेंटेशन का वर्कशॉप जब हम लोग प्लान देते हैं उसके बाद दूसरा एक काम होता है इमीडिएट में जैसे प्लान देंगे ना इमीडिएट एक काम होता है दीपक साहू सर बताओ जैसे प्लान देंगे ना तो हम लोग एक इमीडिएट काम करते हो क्या है वीडियो ऑफ करो ऑन करो ये अपना माइक में म्यूट करो। हाँ सर जब प्लान अपन देते हैं हेलो हाँ बोलिए प्लान देने के बाद तुरंत क्या करते हो प्लान देने के बाद में क्लोजिंग का बात कब करते हैं। हाँ क्लोजिंग बात कहाँ से शुरू हो जाती है बताओ सर प्लान देने के बाद में उसको जब बिजनेस का प्लान जब बताते प्रोडक्ट का प्लान जब बताते कि प्रोडक्ट ये हमारा काम करता है प्लान हमारा ये है उसके बाद जब क्लोजिंग जब लेते हैं तो क्लोजिंग में अगर कहीं पे रुकावट हमारा घर आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए सबसे पहली बात उनको मोटिवेट। चलिए ठीक है दीपक जी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से जब मैं क्या करता था जैसे प्लान खत्म होता था मेरी बैग में एक फॉर्म होती थी उसको निकालता उसको भरने को चालू कर उसके बाद ऑब्जेक्शन बाद में आता है ना ऑब्जेक्शन तो बाद में आता है ऑब्जेक्शन हम पहले क्यों तैयार करें तो पहले हम फॉर्म निकालते और भरना चालू करते फिर उसके बाद वह रुको 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 बोलता है या कुछ भी रहेगा वो बात की बात है फॉर्म भर तो मतलब क्या है कि एक स्टार को फॉर्म भरना में आना चाहिए। मैं ऐसे कुछ टीम के स्टार को जानता हूँ अभी तक फॉर्म भी नहीं भरते हैं सही है तो ये भी एक वर्कशॉप पार्ट है फॉर्म भरना हाउ टू फिल अप माय लाइफस्टाइल फॉर्म क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर इवन फॉर्म के अंदर ये भी होना चाहिए किसके अंदर लॉग इन कर रहे हैं उसके ऊपर आईडी भी होना चाहिए टेंशन नहीं रहेगा लॉग इन करते टाइम ठीक है ना। तो फॉर्म का हो गया अभी पहली बार कॉन्टेंट इन्वाइटिंग दूसरा हो गया प्लान देना तीसरा हो गया फॉर्म भरना जब फॉर्म भरते हो तो फिर आपके चौथा वर्कशॉप जो होती है दोस्तों वो है क्लोजिंग। जैसे यहाँ पे राकेश चौधरी सर ने बोला सर प्लान होने का फॉलो अप होता है फॉलो अप मतलब क्या मालूम है सर अगर आप किसी को प्लान दिया अगर आज उसने क्लोजिंग नहीं दिया फिर अगला दिन दूसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन जो आप करते हो उसको फॉलो अप बोलते हैं आप उसकी फॉलो अप ले रहे हो। क्लोजिंग मतलब क्या होता है तुरंत क्लोज करना है उसको क्लोज अलग होता है क्लोजिंग अलग होता है और क्या है हाथ में दे देते हैं सर कुछ लोग फॉर्म बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि कुछ लोग फॉर्म हाथ में देते हैं यानी कि जब प्लान हो जाता है तो कस्टमर के हाथ में प्लान दे सर ये लीजिए फॉर्म भर दीजिए ऐसे भी हो सकते करते होंगे शायद चलिए छोड़िए। तो मेरा कहना ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सही है ना अब जब देखिए अभी हम लोग फॉर्म भरते हैं फॉर्म भरने के बाद जो हमारा होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी फॉलो अप एक अलग होती है वो 2-3 दिन के बाद होती है क्लोजिंग जो होती है वो स्पॉट में होती है। जब क्लोजिंग कब होता है जब आप अपना ऑब्जेक्शन हैंडल करते तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो वर्कशॉप है ये होना जरूर। ऑब्जेक्शन क्या है नॉर्मल आते हैं पैसा नहीं है सोच के बताता हूँ मैंने भी किया है ऐसा वो महंगा है प्रोडक्ट तो भाई अगर आपकी
स्टार को ये मालूम होना चाहिए, सिखाना चाहिए आपको धीरे धीरे करके। और देखिए एक बात अभी आपको ये बता रहा हूँ, आप सिर्फ सिखा के अपने घर पे देखो, ये बात है कि सिखा के उनके साथ काम करना है, आप इसको गलत भी मत लेना भैया, नहीं तो पता चला कुछ लपड़ा हो जाएंगे। आपको वर्कशॉप भी लेना है और उनके साथ फील्ड वर्क करना है। मैं बता रहा हूँ मेरे अपने ने क्या किया वो भी बताता है, तो चलो आपको वो भी बता दूंगा। तो ये वर्कशॉप जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है, क्लोजिंग का होता है, और फॉलोअप का भी वर्कशॉप कर सकते हैं आप। फॉलोअप कैसे किया जाता है बहुत लोगों को मालूम ही नहीं। लोग क्या करते हैं, एक बार क्लोजिंग नहीं होना तो फॉलोअप करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। और लोग कुछ लोग फॉलोअप करते हैं तो एक ही फॉलोअप करते हैं, वन फॉलोअप, फर्स्ट टाइम फॉलोअप, एक बार गए दो दिन के बाद वो मना कर दे, छोड़ दिया उसे। एक एक फॉलोअप का है ना छह छह महीना होना चाहिए, छह छह महीना, सिक्स सिक्स मंथ तक फॉलोअप होना चाहिए, एक एक साल तक फॉलोअप होना चाहिए। इससे भी बहुत सारे लोग हैं जो तीन तीन साल के बाद जुड़ते हैं, लेकिन फॉलोअप जारी रहेगा तब ना, फॉलोअप जारी रहना चाहिए। शादी में मिले भाई जुड़ना है यार, कहीं पे भी मिले जुड़ना है की बात होना चाहिए, तो फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए उसके भी एक वर्कशॉप होना चाहिए। अब अच्छा, अब जब फॉलोअप होता है, जब फॉलोअप होता है या क्लोजिंग होता है, तो उसकी जो नेक्स्ट काम होती है वो है रजिस्ट्रेशन, है ना, फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए। तो आपके स्टार एंड अबव को ये भी आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो ये भी आपको मेरे हिसाब से इसका भी वर्कशॉप लिया जा सकता है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन करना आएगा, वो डिपेंड नहीं रहेंगे, टीम की साइज बढ़ने के लिए हेल्प हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा एक काम आते हैं, उसको बोलते हैं केवाईसी अपडेट करना। जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे आईडेंटिटी जनरेट हो गया, अरे यार केवाईसी कल करते हैं, वो नहीं, जैसे रजिस्ट्रेशन किया तुरंत डॉक स्कैनर, वो एक सबके मोबाइल में डाउनलोड करा दो, डॉक्यूमेंट स्कैनर जो है उसको डाउनलोड कराओ और उससे स्कैन कराओ और फटाफट भेज, दो मिनट का काम है। लोगों को सिखाना है क्या डालना है, मेल आईडी डालना है, आईडी डालना है, और बाजू में लिखना है एनईएफटी अपडेट, केवाईसी अपडेट लिख दिया और सीधा फोटो अपडेट कर दिया, बस इतना है, मेल भेज दो, बोलो ये सिस्टम में डाल दो। लेकिन आज भी ऐसा बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि लोगों का इनकम जनरेट हुआ केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से होल्ड पे है, और अपने लोग उससे नेगेटिव भी होता है कि ये कंपनी ने अपने उल्लू बना दिया, कर होता भी है। और इसकी जिम्मेदार कौन है, आप है, क्योंकि आपने अपने लोगों को, एक तो आप नहीं कर रहे होंगे, नहीं तो आप अपने लोगों को सिखाने वाला कार्यक्रम भी नहीं कर रहे होंगे, आपको ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करते होंगे, उनके एसटीसी को भेजते होंगे कि भाई चलो सर कर दो, भेजो भेजो भेजो, इसके लिए टीम की साइज नहीं बढ़ रहा है। तो ये केवाईसी का भी आप कुछ सीखो और अपनी टीम की वर्कशॉप चालू कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक इंसान को जोड़ने के लिए इतनी सारी जो चीजें हैं ये बहुत काफी होता है। और उसके बाद सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है ना, वो भी थोड़ा सा अपनी टीम का एक वर्कशॉप ले सकते हैं कि सिस्टम में इसे बिठाना है, उसकी भी वर्कशॉप ले लो प्रैक्टिकल वाला। समझो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ट्रेनिंग में बिठाना है, आरटीपी में बिठाना है, ट्रेनिंग ऐसे बेसिक ट्रेनिंग में बिठाना है, गुरुकुल में बिठाना है, तो कैसे बिठाया जा सकता है, उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी तो कन्विंस करना है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे अभी स्टार सिल्वर बैठे हैं और ये आपकी टीम में बहुत सारे लोग अभी भी हमको कन्विंस करना पड़ रहा है, भाई बुकिंग कर लो गोवा एलटीपी का, बुकिंग कर लो, बुकिंग कर लो। सब लोग आने वाला तो सब लोग है, लेकिन पता क्यों नहीं, पता नहीं एंड मोमेंट में पैसा देने का सोच रहे हैं। एंड मोमेंट में जब पैसा दोगे, होटल के पीछे साइड का रूम मिलेगा, जो समुद्र के नजारा मिलेगा ही नहीं, समुद्र का एंजॉय मिलेगा ही नहीं, अच्छे रूम तो सब अच्छे रहेंगे, लेकिन वो रोड साइड का आपको विंडो मिलेगी, मजा नहीं आएगा। समुद्र इतना फाइव स्टार में जा रहे हो, समुद्र की मजा लेना चाहिए। तो जो जल्दी रूम का बुक करेंगे, सब अपनी पेमेंट 10 तारीख के पहले हो जाएगा, जिनकी पूरी पेमेंट पहले हो जाती है उनको समुंदर व्यू वाला रूम मिलेंगे, जो सुबह उठेंगे समुंदर, रात को भी समुंदर, सब समुंदर हो, अगर जरूरत पड़े फर्स्ट फ्लोर से उड़ी मार देना, मत मार रहा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो सब काम हो सकता है, लेकिन जो जल्दी करेंगे उनका, चलिए उसके ऊपर अपन भूसेंगे नहीं। तो मेरा वही कहना है कि होता क्या है कि कन्विंस करना पड़ता है, तो उसकी भी एक वर्कशॉप कर सकते कि कैसे लोगों को कन्विंस करना है मीटिंग में आने के लिए। कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं मीटिंग है आना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मीटिंग है आना पड़ेगा तो लोग नहीं आएंगे, मीटिंग है क्यों आना है, एक लीडर का एडिफिकेशन कैसे करना है। अरे भाई हमारी जो मीटिंग है वहां पे संदीप पटवारे सर आ रहा है, आपको मालूम है संदीप पटवारे एक बहुत ही शानदार लीडर है, एक आरटीसी लीडर है ना, बहुत जल्दी अभी एनटीसी बन रहा है ना, सर ने अभी बुलेट बुक किया है ना, सर ने अभी मस्त गाड़ी से घूम रहा है, पहले एक अच्छी प्रोफेशन में बिलोंग करते थे लेकिन ये बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और उनकी 2 घंटे का ट्रेनिंग है, आप टाइम पे पहुंचेंगे तो बहुत सारे सीखने को मिलेगा और आप भी बिजनेस में स्टेट लेवल लीडर बन जाएगा, यानी कि स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बन सकता है। तो आप टाइम पे आ जाओ और आना ही पड़ेगा अगर आपको आगे ग्रोथ करना, यानी कि इंपॉर्टेंस क्रिएट करना, एडिफिकेशन करना, क्योंकि बहुत लोग एडिफिकेशन नहीं करते, बहुत लोग अपना अपने है ना, ये कौन है, ये बस आरटीसी, हाँ संदीप परब सर, हाँ संदीप परब सर का ट्रेनिंग आओ, ऐसा नहीं, आपके लिए संदीप परब सर छोटे आदमी है भाई, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को या कोई उनके नीचे के लोगों को वो
मतलब बहुत बड़ी चीज हो सकती है, उसको एडिफाई करना बोलते हैं। वो बोलते हैं ना ताजमहल में 450 की चाय मिलती है, और मैंने भी चाय पी है, उससे अच्छा चाय तो मजा पीने में रोड साइड में आता है, 8 रुपए कटिंग मस्त आता है, लेकिन वहां पे ऐसा देते हैं कि मन नहीं करता है चाय पीने का, क्योंकि हमको दूध वाला चाय पीने की आदत है। तो उधर देने की तरीका जो, इसके लिए 450 रुपए ले रहा है, तो वो उसको बोलते हैं एडिफाई करना। तो एडिफाई का भी यानी कि वर्क्स का भी वर्कशॉप आप धीरे धीरे करके, एक एक करके धीरे 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 करते लेके जाना है, ताकि जब आपकी स्टार जब टीसी बनेगा ना सर, जब आपका टीसी बनेगा वो लायक बेटा रहेगा, नालायक नहीं रहेगा, लायक बेटा रहेगा, जो अपनी कम से कम 2000 इनकम निकालने की ताकत रख पाएगा भाई, है ना, तब आप भी आप अपनी ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो अब आपको भी नहीं आ रही है सारा चीज, तो आप सीखिए अपनी अपलाइन से, और इसमें अपने अपलाइन कीजिए। और हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, ओके ठीक है। तो ये वर्कशॉप आप ये चलाना चालू कर दिए। और रही बात बिजनेस काउंसलिंग जो होता है, जिसको हाउस सेटिंग बोलते हैं या बिजनेस काउंसलिंग बोलते हैं, ये स्टार को नहीं सिखाना है, ये स्टार प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ये टीसी एंड डेबो को ही सिखाना कार्यक्रम चालू करिए। बिजनेस काउंसलिंग कैसे का, एक आदमी जुड़ता है तो उसकी हाउस सेटिंग करना है, तो उसकी टीसी हाउस सेटिंग कर सकते हैं, डीटीसी कर सकते हैं, स्टार सिल्वर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टार सिल्वर एक हाउस सेटिंग करने पर बहुत अच्छा होता है, नहीं तो टीसीओ किया जा सकता है, ठीक है, ओके। ये चीज को जरा आप ध्यान में रखिए। और है ना, मैं आपको एडिशनल चीजें दे रहा हूँ, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या क्लोजिंग की जब आप वर्कशॉप करते हो, तो एक बात ध्यान में रखना मेरे भाई, वो स्टार, उस टीसी, उस डीटीसी, उस स्टार सिल्वर, जो भी लीडर जो सिखा रहे वो, और जो उधर बैठा है स्टार, उनको ये चीजें कंपल्सरी करना, अपनी टूल के अंदर सेल्फ इनकम का डिटेल रखने के लिए बोलना। एक स्टार अगर 5000 कमाए, बोलना 5000 रख दे भाई, उसका प्रिंटआउट निकला और रख दे, देख भाई मेरी 4 लाख इनकम अगर तुम जाके तुम्हारे टीम को दिखाएगा, बोलेगा ये नसीब वाला है, उसको आ गया, लेकिन मैं आपको उधर प्रत्यक्ष हो भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपनी 5000 का इनकम, स्टार का 5000 हो गया, टीसी का आपका जो भी इनकम आया, जो भी इनकम आपके पास एक प्रूफ है भाई, उसको रखो। देखो क्लोजिंग में एक सिंपल चीज है, क्या यूज होता है, देखो सर मैं ये बिजनेस में आने से पहले फलाना था, मैं फलाना काम करता था, फलाना ये काम करता था, मेरा एक दोस्त बिजनेस मुझे दिया, और उसने बोला भाई देख तू टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू या कोई सारी चीजें जो दवाइयां है, ये दुकान से या मेडिकल से खरीदता है और तेरे को प्रोडक्ट मिलता है, उसने बोला ये चीज यहाँ से ले ले, तेरे को बिजनेस फ्री में मिलेगा, और हम और तुम मिलकर काम करें तो पैसा आए। मैंने बोला टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और दवाई की बात है जो बाहर से लेता हूँ, एक बार यहाँ से ले लो, और मैंने ले लिया, और सर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, वो भी सर रोज टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, कभी कभी दे रहा हूँ, तो मेरा देखिए सर अभी तक 5000 की इनकम आए, देखिए सर ये आप देख सकते हैं सर, देखिए इसमें टीडीएस भी कट रहा है। आज कर्नाटक में बता तो, कर्नाटक में बहुत सारे लेडीज लोग है, वो 1000 का इनकम में दिखाते इतनी टीडीएस कटे और बोलते हैं मैं टैक्स पे करती हूँ, अरे उधर ही क्लोजिंग हो जाता है, उधर ही क्लोजिंग हो जाता है, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है, उधर ही क्लोजिंग हो जाता है। तो आप लोग वो चीज को मेंटेन करना चालू करो, अपनी स्टार जाके लोगों को कन्विंस कैसे करेगा प्लान में जाके, है ना, जब वो अपनी 5000 देखो सर अभी 5000 आया है, भाई बताओ सर मैं भी टूथपेस्ट साबुन दुकान में 25 साल से ले रहा हूँ, 5 रुपए भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 5000 आया है, और मुझे मालूम है 5000 आया भी मैं 50000 भी कमाऊंगा, 5 लाख भी कमाऊंगा। कौन बोल रहा है? स्टार बोल रहा है, टीसी बोल रहा है, डीटीसी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, अपनी इनकम शो करना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, जो भी आया भाई प्रोडक्ट से तो आया है ना, मतलब ये बिजनेस से तो आया है ना, दिखाना चाहिए। तो ये वो चीज जरूर डालना जो उनकी क्लोजिंग के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोग नहीं दिखाते अपनी इनकम, नहीं दिखाते वो स्टार लोग, बोले 5000, उनका सोच इतना बड़ा हुआ रहता ना, अरे भाई नया आदमी के लिए 5000 बहुत बड़ी बात होती है, मालूम है कि नहीं, एक नया व्यक्ति को जब आप बोलते हो टूथपेस्ट साबुन इधर लेने की वजह से मेरे अकाउंट में 5000 आया, बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कंपनी से पैसा आता है। जब आप ये चीज दिखाओगे ना, अरे हाँ यार इसके अकाउंट, आप बोल रहे हो अकाउंट डिटेल देखो, ये देखो, वो सब जब बता रहे हो ना तो पैसा आता है, तो उसको समझ में आता है कि इंसान को पैसा आ रहा है, तो क्लोजिंग होता है। तो ये चीज को जरा आप लोग ध्यान में रखिए, होना बहुत जरूरी है, चलेगा? अब यहाँ पे जितना भी लॉयल्टी मारते होंगे, वो लॉयल्टी का प्रिंटआउट निकालो, और अपनी टीसी, अपनी स्टार को देखो सर लॉयल्टी इनकम आया। बहुत से लोग दिखाते नहीं है कि टीम पैसा मांगेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं यार, तुम दिखाओ यार बिंदास, उसको भी लगे यार लॉयल्टी इनकम आता है सच में, 5000 रुपए आया है इनको लॉयल्टी इनकम, देख सकते हैं आप, दिखाओ उनको मंथली इनकम। तो ये सारा चीज से आप अपने लोगों की इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें होती है वर्कशॉप की बातें, जो मैंने आपको अभी तक किया है वर्कशॉप, इस तरह से आप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, जब ये वर्कशॉप के बाद जो तीसरी जो स्टेप आता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये आखिरी जो स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें जो हम और आगे करेंगे। जो तीसरी स्टेप, जब वर्कशॉप के बाद जो तीसरी स्टेप आता है,
वो क्या मालूम है दोस्तों, वो है कम्युनिकेशंस में रहना, यानी कि लोगों के टच में रहना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को मिलना और उनके साथ काम करना है, करके छोड़ नहीं देना है। मेरा अपलाइन ने मुझे क्या किया था, जब मैं 4-5 हजार रुपए कमाने लगा तो वो वर्कशॉप जो लेते थे ये सारा चीज का वर्कशॉप लेके मुझे छोड़ने देते थे। अब मान चलो सुनील गमरे सर उनकी टीम का वर्कशॉप ले फॉर एग्जाम, तो वो क्या करेंगे, मेरा अपलाइन के रोल होना, समझो मैं उनकी लाइफलाइन हूँ और मेरा वर्कशॉप उन्होंने लिया और सुनील गमरे सर क्या कर रहे हैं, चलो बेटा चलते आज तुम्हारे टीम का प्लान करते हैं और मेरे को चले और वो बोल दिए तेरे को प्लान आज देना है, मैं तेरे पीछे बैठूंगा। और कभी अपलाइन है ना आगे सामने नहीं बैठते, बाजू में नहीं बैठते, पीछे बैठता है। क्यों भाई ना, जब अपलाइन डायरी निकल के बैठता है, आप जिन लोगों को प्लान देना से जो मैं गलतियां करता हूँ वो सब लिखते थे, मेरा जो अपलाइन था जो मैं गलती करता था वो लिखते थे कि इसने ये गलती किया, ये गलती किया, और उसके बाद वो चिट्ठी उसको पाड़ देते थे, पाड़ के अपनी जेब में रखते थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे वो क्या करते थे, यार मस्त प्लान दिया, मजा आ गया, कुछ सुधार लाना है चिट्ठी में रखा और रख लेना, घर पे जाके देख लेना, ऐसा देते थे। कुछ नहीं बोलते थे वर्निंग के, ये बराबर कुछ नहीं लिखते थे कि क्या गलती हुआ, और मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि जब इंसान को गलती सामने से बोलोगे, अभी मैं बोलूंगा कि दीपक साहू सर क्या आपको ये नहीं आते वो नहीं आते, तो उनको उनको सामने से उनकी गलती बोलेंगे उनको हट हो जाएगा, या उनको उससे आपका उनकी दिल में इमोशनल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उसको लिख के दिए, आप उसको अप्रिशिएट किया, मस्त प्लान दिया, कभी कभी रिजल्ट नहीं आया, अरे रिजल्ट नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा प्लान मजा आ गया, अगर वो प्रॉस्पेक्ट जगह पे मैं होता ना यार, मेरी मैं सच में तुमको एंट्री देता था। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं ना, ये इससे क्या हो जाता है, वो बहुत अच्छा उसको फीलिंग आता है, अरे हाँ यार मेरा अपलाइन ऐसे कर रहा, इंटर नहीं आता था ना यार, तू मस्त प्लान दिया, मेरी जगह पे मैं होता था ना, सॉरी प्रॉस्पेक्ट की जगह पे मैं होता था ना, तो मैं सच में कुछ ना कुछ पैसा दे देता था, रजिस्ट्रेशन तो कर देता था, लेकिन क्या सामने वाला का नसीब खराब है, इसके लिए तेरे साथ वो जुड़ा नहीं होगा, ये वो करके फिर देख कुछ सुधार तेरी प्रेजेंटेशन में लाना, ये ले ऐसा ले करके चिट्ठी देते थे। और है ना मेरे साथ में ना 8-10 प्लान तो आए होंगे, 8-10 प्लान पीछे बैठते थे लिखते थे, फिर एक दिन उनको ये समझ में आया कि उनके पास लिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। 8-10 प्लान के बाद जब वो पीछे बैठते थे तो मेरा प्रेजेंटेशन इतनी परफेक्ट तेजी से जाती तो उनके पास लिखने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि गलती करता ही नहीं था मैं, इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन देने लगा। और जिस दिन मेरा अपन को पता चल गया मेरा चेला है और ये अभी खेल रहा है, इसको अभी मेरे साथ की जरूरत नहीं है, तो वो फील्ड में जो जाने का जो प्लान देने के लिए वो थोड़ा सा पीछे लेते थे, फिर वो फॉलोअप के लिए आते थे, फिर टीम के लिए आते थे, कोर मीटिंग्स के लिए आते थे, काउंसलिंग के लिए आते थे, सब चीज के लिए मुझे मदद करते थे, मुझे छोड़ने दिए, हर लेवल में मुझे लेके आए, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हुआ तब तक मुझे छोड़े नहीं, हर लेवल में धीरे 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 करके लेके आए। तो उसी तरह जब आप वर्कशॉप लेते हो, आप अपने लोगों के साथ में जाओ, सिखाए जो हो वो दे रहे, देखो और मिट्टी दे देना भैया इसको सुधार करना, बस अगली बार देखना उसमें थोड़ा तो कुछ सुधार किया रहेगा, वो किया करेगा, तो ऐसा करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, अब काम आप ठीक उसी हिसाब से बात करूं कि उनको छोड़ नहीं देना, उनके साथ में कम्युनिकेट करना है, उनके साथ बातचीत करते रहना है, उनको मिलते रहना है। अब मुझे क्या करना है ये बता दो, अब क्या करें मेरे दोस्तों, कि आपके जितने भी स्टार एंड अबव है ना, उनके रैंक, अभी जितने भी स्टार है, टीसी है, जो भी आपका नीचे का लाइफलाइन है, जो आपके टीम है, उनका एक अगले रैंक का डेट फाइनल करिए। देखो कैसे आप उनके दिल में इमोशनल अकाउंट बनाए जा सकते हो, और उनकी डेट सेलेक्ट करिए। अब समझो सुनील गमरे सर मेरा एक स्टार है, मान के चलो मैं सुनील गमरे सर के साथ बैठा, सर देखो सर अभी आपको मुझे टीसी बनाना है, मैं कमिटमेंट दे चुका हूँ राजन सर, मैं राजन सर को कमिटमेंट दे चुका हूँ कि मैं आपको बहुत जल्दी टीसी बनाने वाला हूँ और आपके नाम मैं राजन सर को दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता अभी मेरे जिम्मेदारी आपको टीसी बनाने का। उसको क्या अच्छा लगा, अरे भाई ये आदमी ने मेरा नाम राजन सर को दे दिया, मेरे को टीसी बनाना चाहता है। क्योंकि सर क्या मालूम है कि सर मार्केट में ना कोई है ना भलाई की बात करता नहीं आके, उसका उसकी मामा चाचा दोस्त कोई आके बोलते ना यार तेरे को जिंदगी में ऊपर लाने की बात है ना, कोई नहीं करते, बोलते कोई और तुम एक ऐसे आइटम है उसका के बोल रहा हूँ, मेरे को उसको अच्छा लग रहा है कि यार मेरे बारे में सोच रहा है, सबसे पहले बात उसके दिल में इमोशनल अकाउंट जाग गया, ओपन हो गया। दूसरा फिर उसका क्या करूं, वहां पे एक डेट सेलेक्ट करो कि कौन सी डेट, देखो सर अभी डेट अपन सेलेक्ट करते बताओ, फिर प्रैक्टिकल भी देखो, वो बोलेगा मैं 4 हफ्ते मार दूंगा, नहीं नहीं सर 4 हफ्ते में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी क्योंकि अभी आप पार्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम उतरते हो तो 4 हफ्ते में मार सकते हैं, एक काम करते हैं सर हम लोग ना 16 हफ्ता या 12 हफ्ते का डिसाइड करते हैं डेट डिसाइड, और वो डेट डिसाइड करने के बाद डिवाइड करो, उसको डिवाइड करके प्रैक्टिकली समझाओ कि 12 हफ्ता है, 12 हफ्ते में इतना बिजनेस चाहिए, उसके लिए हर हफ्ते में कितना चाहिए डिवाइडेड बाई वीक, और हर हफ्ते में इतना बिजनेस चाहिए तो हमको कितने लोगों को प्लान दिखाना है,
है ना, और कितने लोगों को प्लान दिखा रहे, तो कितने लोगों को लिस्ट है, और इनमें से कितने लोगों को मिलेंगे अपन, समझ में आ रहा है? तो वो ये सारा चीज आप अपने स्टार के साथ बैठ के कर सकते हैं, आपके साथ में कितने लोग हैं, क्या है, प्रैक्टिकल प्लानिंग करके उसके साथ काम करना है। तो फिर क्या है कि वो एक उसको पहले एक उसकी सोच आ गई कि नहीं मुझे टीसी बनना है, उसकी विजन सेट, उसकी गोल सेट हो गई कि मुझे क्या है टीसी बनना है, ये डेट उसकी। तो आपने क्योंकि बोलने पर लोग करते नहीं, आप करवा के लो, डेट फाइनल हो गया और उसके साथ आप काम कर सकते हैं। अब उसके साथ काम कर रहे हो, कभी कभी वो डेट में हो जाता है, कभी कभी वो डेट में नहीं होता है। अगर समझो सुनील गमरे सर मेरी स्टार है, उन्होंने डेट दे दिया 25 दिसंबर 2021 को टीसी मारने वाले हैं और वो टीसी नहीं मार पाए, तो मेरा काम है कि 25 दिसंबर 2021 को सुनील गमरे सर के घर पे मैं जाऊंगा, जाते टाइम एक पैकेट बिस्किट, थोड़ा बहुत चूड़ा पर्सन लेके जाऊंगा, आधा आधा लीटर दूध लेके जाऊंगा और बोलूंगा सर चाय बनवाओ, चाय बनाएंगे और चाय की पार्टी करेंगे उन्हीं के घर पे, और बोलेंगे सर आज का जो टीसी का डेट तो आपका हो नहीं पाया, लेकिन सर मुझे दुख नहीं है क्योंकि हमने और आपने अच्छा काम किया है, रिजल्ट नहीं है बात की बात है, लेकिन एक काम कर, चाय पीनो और सब मजा करो यार, एक काम करते अभी है ना, अगला डेट अपन डिसाइड कर, तो उसको उधर एक अगला डेट। देखो सर बेटा जब फेल होता है ना सर, जब बच्चा फेल होता है, माँ बाप वो होते हैं जो उसको मारते हैं पीटते हैं, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, तो डर के हमारे कुछ लोग सुसाइड भी इसके लिए करते। बच्चे को क्या बोलना, कोई ना कोई बेटा तूने अच्छा काम किया, चल अगली बार पढ़ाई अच्छे से करना, तो चल उसके लिए करना चाहिए। तो वो जो बोलता ना कि बच्चे को बढ़ावा देना, तो ये काम करो, फिर उसको अगला डेट फाइनल करके दो, फिर वो अगला डेट के लिए उसको अच्छा लगे, देख मैं यार मेरा अपन कितना अच्छा आ गया, तो वो कार्यक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, चालू हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो मेरा आपको यही कहना है कि ये कार्यक्रम चालू करो, जिससे आपका चार क्या हो जाएगा, इमोशनल रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, और लोगों को बोलते हैं ना कि इमोशनल अकाउंट जो होना चाहिए वो बहुत बढ़िया बिल्ड हो जाएगा, है ना, तो जिससे आपके काम बहुत अच्छा होने चालू हो जाएंगे, ठीक है? और मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आया भी होगा और आप इसको करेंगे भी, है ना, और आज से करना चालू भी करो और इससे अच्छा ग्रोथ होगा। रही बात कम्युनिकेशन में, कुछ बात अगर आपको और मैं करूं कि डेली कम्युनिकेट करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, लोगों को फोन ना करें ऐसा मत करिए, बहुत लोग गलती करते हैं फोन नहीं करते अपनी टीम को, तो ये गलत बात है, फोन करना जरूरी है, बर्थडे में कुछ करना हो गया, बहुत सारी बातें होती है जो ये बिजनेस को टीम मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो दूसरी बात है कम्युनिकेशन में फोन में भी ध्यान में रखना, फोन में 10 मिनट से ज्यादा बात मत करना, ये तो कुछ लोग आधा आधा पौना पौना एक एक घंटा बात करते हैं, है ना, एक एक घंटा बात करते हैं, वहां पर इतनी घंटा इतनी थोड़ा फोन में इतनी देर बात नहीं करते है भाई, फोन में थोड़ा बात करना रहता है 5 मिनट 10 मिनट, है ना, और खास करके महिलाएं तो इतना देर बात ही मत करना, अगर किसी के बेटी किसी की वाइफ के साथ किसी माँ के साथ अगर तुम एक एक घंटा बात करोगे वो उसको भी घर से निकाल देंगे और तेरे को भी घर से तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये तो सब काम थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर कोई महिला किसी को कॉल करे अपने घर से अलग होती है, लेकिन आप कॉल करो रिंग बजा आप उठाए तो आदमी भी होता है, कुछ भी हो एक एक घंटा बात मत करिए, इतनी देर बात नहीं करना है, आप एक घंटे में 10 लोग से बात करिए, 10 मिनट बात करिए, 5 मिनट बात करिए, 10 मिनट बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, बाकी बात करना है तो मिलके कम्युनिकेट करिए, तो इससे क्या हो जाएगा आपका ग्रोथ होने में हेल्प हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन मैं आप लोगों को दिया हूँ इसमें बहुत सारे सीखने को मिला है। अब हम लोग चालू करते हैं 15 मिनट का जो सेशन, इसमें पूछने वाला काम, अगर आपको कुछ पूछना है, देखिए मेरे को कंप्लेंट एक मत देना बॉस, कुछ भी रहेगा कंप्लेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सजेशन अगर चाहिए, कुछ चीजें है जो बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं तो भाई करना, कंप्लेंट मेरे पास भी है, मैं बताऊं के बोलो तो मैं नहीं देना चाहता हूं। तो आप बताओ आपको बिजनेस को रिलेटेड कुछ बातें हैं जो ग्रोथ को लेकर चाहिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वो भी हैंड रेज करिएगा और आपको मैं एक एक करके बताऊंगा अगर किसी को पूछना है तो। आई थिंक किसी को कुछ पूछना नहीं है, सब लोग बहुत समझदार है, प्रॉब्लम तो किसी को आ ही नहीं रहा है, चलिए कोई अच्छा अच्छी बात है। पूछना अच्छा पूछना है क्या, हैंड रेस कर रखी है ना, ओके सुरेश भाई बोलो, सुरेश भाई हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है सर, पंखे की आवाज आ रहा है बहुत, सुरेश भाई बोलो। हाँ सर आवाज आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। तो सर मैं अभी डीटीसी लेवल पे हूँ, बट ये अभी आपने पीछे कहा था कि टीम साइज,
टीम साइज अगर बढ़ेगा तो इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसी के अंदर क्योंकि मेरे के अंदर बहुत सारी कमियां है कि हाँ। टीम साइज तो बना रहे लेकिन पीछे पीछे टीम खत्म भी होती जा रही है। टीम साइज हाँ। तो इसके थोड़ा सा टीम साइज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जैसे देखिए सर, मैं आपको शायद ये तीन पॉइंट जो सिखाया है ना सर, उसी के अंदर ही टीम साइज आपकी बढ़ेगी। जो मैंने आपको बताया कि टीम साइज के लिए पहली बात तो आप अपने लोगों में जो आपके लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा नियत वाला रिश्ता रखिए, उनके दिल में इमोशनल रिलेशनशिप बनाइए उनसे अच्छे से, है ना। और उसके बाद वर्कशॉप चालू करिए और उनका इनकम के लिए बात करिए, उनकी रैंक, जैसे मैंने अभी बोला कि उनको मिलके उनको बोलो कि मैं आपके नाम टीसी बनने के लिए दिया हूँ और अपने को ये डेट में बनना है, उनसे बात करो, उनका बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बात करिए। पहले एक अच्छा देखिए अच्छा रिलेशनशिप बनाना सीखिए सर, और अपने आपके टीम साइज बढ़ेगा और बाकी सिस्टम के लिए जो जरूरत है वो सब करना ही है, जो मैंने बोला वर्कशॉप हो, बेसिक ट्रेनिंग हो, गुरुकुल हो, ये सारा चीज तो है। और रही बात आप बोले कि अपने अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो आप अपना अपलाइन से बात करिए, अपलाइन नहीं जान पाएंगे, कोई भी अपलाइन है ना आपकी वीक पॉइंट बताता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको हर्ट हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन सर मैं मेरा अपलाइन को पूछता हूँ, सर आप बताओ, आप ये मत सोचो कि मैं मेरे को बुरा लगेगा, आप देखो सर आप बताओगे ना तो मैं सीखना है, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या सुधार लाना है, बोलो अपलाइन को आप सवाल कर सकते हैं कि सर क्या कमियां हैं मेरे अंदर बताओ, मैं सुधारने को तैयार हूँ। वो भले कुछ भी हो, वो ड्रेस कोड के लिए हो, बात करने का तरीका हो, बहुत से लोग बात बार बार नहीं करते, कुछ भी बात करते, कैसे भी बात करते हैं तो हमको मालूम नहीं होता है। वो बोलते ना जिस इंसान को ईगो होता है, जिस इंसान गलती करता है, जिस इंसान गलत काम करता है, उसको पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है या वो इसको है, तो उसको किसी और को पता चलता है तो वो बता पाता है, लेकिन आपके अपलाइन बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो आप उसको लगता है कि आपको बुरा लगेगा। तो आप उनसे पूछिए कि आपसे क्या कमियां हो रहा है, वो बताओ आप सुधार करो। जी सर, सर तो बताते हैं, बट क्या है कि जब कुछ चीज मेंटेन करना होता है ना, वो कंटिन्यू कर नहीं पाता हूँ, कुछ दिन करता हूँ फिर बाद में आगे दूसरी ये हो जाती है, मतलब तो लगा वो जो नहीं कर पाता तो वही करने के लिए प्रयास करो सर, वो करना ही पड़ेगा, जब तक वो नहीं करेंगे नहीं होगा ना। समझो अगर आप सातवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और पांच सब्जेक्ट में अच्छा लिख रहे हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप पास ही नहीं कर पा रहे हो, और जब तक वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी भर पास नहीं हो पाएंगे आप, पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसको सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। जब तक वो सब्जेक्ट आप सीखोगे नहीं तब तक पास होंगे नहीं। अगर आपको पता है ये कमियां हैं और मैं जब तक ये सुधारूंगा नहीं तो होने वाला ही है। और रही बात सिर्फ फोकस अपनी कमियां में ही नहीं डालना है, ये बात को ध्यान में रखिए, नहीं तो सिर्फ उसी में लग जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे। आपकी जो कमियां है उसको डेवलप करें और साथ में जो खूबियां है आपके पास खूबियां है उसमें ज्यादा जोर लगाइए। जो आपको खूबियां आपके पास अच्छा चीज, आप क्या 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 अच्छा कर सकते हैं, देखो थोड़ा आप क्या क्या अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा जोर लगाइए, और जो आपके पास कमियां है उसको धीरे धीरे सुधारिए। एक दिन में सुधार किधर भी नहीं आता है सर, एक साल दो साल लगता है, टाइम लगता है। इसके लिए बोलते हैं कि बिजनेस का स्टार्टिंग का दो साल ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग स्टेज होता है, जिसमें बहुत सारी तकलीफें रहता ही है, मोल्ड होना पड़ता है अपने को बहुत सारा अपने को। मैं भी होटल में वेटर था तो मेरे को किधर कुछ भी नहीं आता था ना, वेटर मतलब आप जानते हो क्या आता है, लेकिन दो साल मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला दिन थी, वो मैंने गुजारा। इसके लिए आज मैं आपके सामने, जो आपके पास खूबियां है उसको बढ़ावा दीजिए और जो कमियां है उसको सुधार लाने के लिए जोर लगाइए। ओके सर, और आपके पीछे जो प्रोटीन डब्बा दिख रहा है उसमें एक बार पीने चालू करिए। मैं अभी आपके सुबह आपके सामने वही पी रहा था प्रोटीन, सुबह उठ के एक ग्लास खाली पेट में प्रोटीन पीना चाहिए। ओके रुक, सुरेश भाई आपको बहुत पसंद आ रहा है, अभी पंखा आप चालू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, और मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ में है, और हम लोग मिलेंगे किधर किधर मिलेंगे बोलो? एलडीपी। उधर बुरा धमाल होगा, गोवा का गोवा गोवा सर गोवा, ठीक है। होटल को समुन्द्र में लगते हैं, समुन्द्र को होटल में लाते। चलो ठीक, चलिए थैंक यू। उसके बाद मेरे यहाँ पे कोई कलीग है जो कुछ बात करना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्कार नागेंद्र सर। नमस्कार वोकन यादव जी, बोलिए। हाँ सर, आज का जो मीट है बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें क्या हमको करना है वो चीजें समझ में आई। सर थोड़ा सा ये था, जैसे अभी हमने लोगों को, लोग प्लान भी अच्छा देते हैं, प्रोडक्ट हाँ। भी अच्छा बताते हैं और फॉलो भी लेते हैं, लेकिन कहीं उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं अकेले जाके ये काम कर लूं। बराबर है। मैं भी इसमें एक प्रोसेस, जैसा आपने बताया कि लोगों के साथ में जाता हूं और प्लान वही देते हैं, लेकिन तो भी कहीं भी जाएंगे तो वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि सर आएंगे तो ही क्लोजिंग आएगा, तो अच्छा। उनके साथ और क्या किया जाए कि मतलब वो सेल्फ
मतलब उनको कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं अकेले कर सकता हूँ। क्या करिए सर, मालूम है कि मैं एक ऐसा काम करता था, मैं क्या करता था पता है, अभी कुछ एडवांस बातें है यार, अभी मैं ये बातें, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, चलो लेके जाओ ये भी आप। क्या हुआ कि मैं, मेरे टीम में कुछ ऐसे नौटंकी लोग होते थे शुरुआत में, तो मैं क्या करता था, जाता था उनके साथ में, और क्लोजिंग में जाके है ना, या प्लान में जाता था और उनको बोलता था यार मैं बहुत ज्यादा पेट में मेरा दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं तुमको बात दिया हूँ इसके लिए मैं आया हूँ, और मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं पता नहीं चल रहा है मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ चुपचाप करूंगा, तुम दो मैं कुछ बात करने के हाथ, कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ का कोई ना कोई इश्यूज आप बताओ कि भाई बस तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरी हालत बहुत खराब है, ऐसा कुछ करके। क्या होता है सर मालूम है क्या, बोलते ना किसी किसी को सीधे हाथ से सीधा खिला नहीं सकते, थोड़ा टेढ़ी करके खिलाना पड़ता है ना, ऐसा करके घुमा के थोड़ा ऐसा कुछ करके करो, जब आप चुपचाप बैठोगे, जब वो करते हैं कॉन्फिडेंस उनका उनको आना, तो फिर उनको बुला रहे यार तुमने तो, मतलब आप चले जाना उस दिन, बोलना मत कि तबीयत ठीक नहीं था, चले जाओ आप, फिर अगला दिन उनको मिलेंगे यार, क्या यार इतना बढ़िया आपने प्लान दिया करके, सही है ना, मेरा जरूरत ही नहीं था, ऐसा कुछ चीज। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बोलता ना कि बाइक लेके जाता हूँ, देखो सर ये सबके साथ ऐसा नहीं करना है, ये गलत चीज है, नहीं तो मेरे को चपलेन लोग यहाँ पे सुंदर बैठे सर, सर आपने ये क्या गलत काम भी सिखा दिया कर, ठीक है एक काम ये करता था मैं, जो आदमी जो नाटक बोझ करता था उन लोग के लिए, तो मैं बाइक लेके जाता था, और वो बोलते तुम पहुंचो, वो उधर वो पहुंचते थे, मैं पहुंचते था, और थोड़ा सा दूरी में यार मेरे बाइक खराब हो गया, पंचर हो गया, अभी धक्का लेके लेके जा रहा हूँ, एक काम कर मैं पूछता हूँ एड्रेस देके रखो, तुम प्लान मारते रहो, है ना, थोड़ा सा मैं लेट पहुंचने का, ऐसा कुछ कार्यक्रम करके, जो चोर लोग है, चोरी चोरी करते हैं, जो बोलते ना कि मैं कॉन्फिडेंस, उनको डर लगता है, उनकी डर निकालने का कार्यक्रम ऐसा सब करता था थोड़ा। यस सर। हाँ, और दूसरा क्या मालूम है सर, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और काम क्या किया जा सकते हैं, अब जैसे आप समझो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड वाला ये प्रोग्राम रखो, ये एक डेढ़ घंटे का हो सकता है, ये दूसरे काम आपको बता रहा हूँ, एक से डेढ़ दो घंटे का हो सकता है या दो घंटे का हो, आप ही ऑर्गेनाइजिंग करो, उन सभी लोग सभी लोगों को बुलाओ जो आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि उन लोगों को अभी जैसे समझो कोई प्लान देने में उसको डर लगता है, उस इंसान को फ्रंट में बुलाओ, है ना, सबसे पहले सब पहला उन लोगों को बुलाओ जो अच्छा प्लान देते हैं, उसके बाद बीच में दो तीन लोग होने के बाद चौथा आदमी उसको बुलाओ जो बहुत डरते हैं, जो तैयार नहीं है, है ना, उन लोगों को बुलाओ स्टेज पे, सर अभी आप एक काम करो चार पांच स्लाइड आप बताओ, चलो बताओ, और सब बोला है, सब लोग इनको बोलो मोटिवेट, वो बोलेगा सर नहीं हो पाएगा, बोले सब लोग बोलो इनको मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, माहौल क्रिएट करो, फिर वो स्टेज पे आएगा, दो चार स्लाइड बोलेगा और उसको अप्रिशिएट करो, अरे यार क्या प्लान दिया यार, मस्त दिया, तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड किया जा सकता है। और दूसरा सर क्या मालूम है सर, लोगों को क्या लगता है कि अभी जैसे आप इतनी शानदार उनके सामने क्लोजिंग मारते हो ना, उनको लगता है तुम ही है ना, वैसा वो लगता है, सही ना, इसकी वजह से वो तकलीफ होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा करके सुधार लाया जा सकता है। ठीक है सर। हाँ, और उसके बाद भी अगर नहीं करता है ना सर, उसके बाद भी नहीं करता, एक सोल्यूशन और है, वो है रिकाउंसलिंग। रिकाउंसलिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ये जो प्रॉब्लम, आप किसकी बता रहे हो, कौन सी रैंक की बता रहे हो, TC ATC। हाँ ठीक है, अगर आपका TC ATC ये प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका जो इमीडिएट अपलाइन मनोज सिंह सर है ना आपके, यस सर, हाँ मनोज सिंह सर के साथ आप बिठा सकते हो, उनको है ना इसकी महत्व समझाओ कि क्यों, मतलब जाके अपने को प्लान देना है, अपलाइन के बिना भी जाना क्यों है, उसकी महत्व समझाओ और उसमें उनकी बेनिफिट समझाओ कि भाई अगर आप नहीं जाओगे, नीचे वाले लोग भी ऊपर डिपेंड हो जाएगा, डिपेंड होते 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 फिर सब लोग इनके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो अपलाइन आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपकी रुक सकने के चांस है, लेकिन आप थोड़ा इंडिपेंडेंट करने को, बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, अगर आप अकेले जाके अगर घुस रहे हो तो आपको लोग आपको देख रहे हैं, है ना, और बोल रहे यार हमारे अपलाइन तो अपने अपलाइन के बिना भी एंट्री मार रहे हैं, एंट्री लेके आ रहा है, तो उनको ये चीज समझ में आ रहा है, तो यार अगर थोड़ा आप करने लगोगे तो आपके लोग आपके वजह से जैसे डुप्लीकेशन करेंगे, नहीं तो आप हर जगह पे इनको लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे हर जगह पे इनको ही लाओ, फिर आपका इमेज क्रिएट नहीं होगा और आपके ग्रोथ नहीं होगा और आपके लोगों के अंदर डुप्लीकेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा सर, थोड़ा समझदारी उनके अंदर लाना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम यही करो, आप उनकी रिकाउंसलिंग कराओ, जो प्रॉब्लम देखो सर, इसके लिए मैं शुरुआत में भी बोला कि अपनी टीम में कमियां क्या हो रहा है, आप डाटा मेंटेन करेंगे ना होगा सर कि आपकी टीम में कमियां क्या हो रहा है, जो कमियां है उसको डायग्नोस करो और अपने अपलाइन के साथ बैठ जाओ और वो डायग्नोस को सुधारो, उसको दवाई करो, आपकी टीम में अगर कमियां है, आपके टीसी फील्ड में जाके इंडिपेंडेंटली कर नहीं रहा है, तो सिंपल है आप जाओ
और जाके वहां पे अपलाइन से बात करो और उसकी रिकाउंसलिंग करो और उसकी जो कमियां है उसके ऊपर कैसे सुधार लाया जा सकता है वो अपलाइन करा के दे देंगे आपको। ठीक है सर, रिकाउंसलिंग में। और ये कराओ सर, और ये ज्यादा दिन मत रखो, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। अगर वो टीसी बनने के बाद भी अगर नीचे नहीं आ रहे ना सर, वो मतलब कुछ ना कुछ, जैसे एक प्लान के लिए वो गए, एक प्लान के लिए आप जा रहे हो, अगर वो नहीं जा रहे किधर भी, तो फिर आपके लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगा। यस यस, तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है, वो सेलेक्ट करके रिकाउंसलिंग करा दो आप लाइन से। ठीक है सर, ओके सर जी, ओके सर, थैंक यू। चलिए अभी ओकान सर से अपने को ये सीखने को मिला कि देखिए अगर स्टार से वर्कशॉप चालू कर देंगे तो टीसी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ रहे हो, अगर स्टार से वर्कशॉप करना चालू करेंगे टीसी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हमारे सुंदर सर भी यहाँ पे हाथ उठाए, शायद वो कुछ गाइड करेंगे आप लोगों को। सुंदर सर प्लीज, आप म्यूट है। ओके सर, सबसे पहले थैंक्स बोलना था, मैं एक्चुअली कुछ गाइड नहीं करने आया हूँ, मैं सीखा, मैं आपसे कुछ सीखा हूँ बताने आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, जैसे कि नागेश पूजा सर ने बहुत ही एक अच्छा चीज बोला कि डेटा मेंटेन करना, डेटा एक आपका चेहरा जैसे कि आईना होता है ना, आईना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी 7-8 साल के अंदर जो कुछ किया है ये वजह है। सर आप म्यूट हो गए, फिर से म्यूट हो गए आप, सुंदर म्यूट हो गए। बिजनेस एटीट्यूड बनाना, बिजनेस मैन ही डेटा मेंटेन करता है, नौकरी वाली आदत से बिजनेस नहीं होएगा। आपका चेहरा में कैसा है, साफ सुथरा है नहीं है, आप कहाँ देखते हो, आईना, आईने में अपना चेहरा देखते हो। तो नागेश सर ने बोला कि डेटा मेंटेन करना ये बहुत एक अच्छी चीज है, इसकी आदत रेगुलर होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड वाला चीज काम है। तो सर ये सीखने बहुत अच्छा रहा और कहीं कहीं रिमाइंड होता है। और नागेश सर ने दूसरा भी चीज बोला, बहुत सर काफी काम का है, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इमोशन, इमोशन क्रिएट करना। लेकिन ध्यान रखिए, इमोशन का अकाउंट बढ़ाओ लेकिन उस अकाउंट को कहीं गलत चीजों में खर्चा मत कर देना। अगर कहीं गलत चीजों में खर्चा करोगे तो माई लाइफ से तो जाओगे, बहुत सारी चीजों से भी चले जाओगे। तो इमोशन को बहुत ही व्यवस्थित रखना, सही जगह पर यूज करना। इमोशन एक ऐसी चीज है कि संतोष सर हमारे ग्रेट गुरु हम सब लोगों को इमोशनल अकाउंट्स बढ़ाया और किसी भी हालात में हम सब लोग उनके साथ टिके रहे। जो आज बात कर रहे हैं नागेंद्र पूजारी सर, हम सब एक बैच के हैं, इमोशन अकाउंट्स की वजह से, संतोष सर राजन सर के इमोशन अकाउंट की वजह से शायद हम लोग बचे रहे किसी भी हालात में। तो अगर आप इस माई लाइफ में टिके रहोगे तो एक ही वजह रहेगा, इमोशन अकाउंट आप भी अपने टीम के साथ बनाइए। तो थैंक यू नागेंद्र सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज गाइड किया, बेहद कभी हम भी थोड़े से भूल गए थे तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता है सुनने में सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुंदर सर, आपका फीडबैक जो बातें है अच्छे, ये सच्चाई है जो सुंदर सर ने बोला है कि आज हम लोग यहाँ पे टिके हैं तो हमारे जो राजन सर हो गए, संतोष सर हो गए, इन्होंने हमारे साथ में जो इमोशनल रिलेशनशिप जो बनाया है, जो हमको उन्होंने बचा के रखा है ना, वो बहुत जरूरी होता है, जो आप लोगों को भी धीरे धीरे सीखना है, एक दिन में नहीं आता, उसके लिए लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, लोगों के लिए, लोगों की रैंक के लिए। बहुत सारे लोग अपने रैंक के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, हाँ बोलो, अपने रैंक भी बोलना बहुत जरूरी है कि मैं ये डेट में ये रैंक में जाने वाला हूँ, लेकिन उसी के साथ में आपके लोगों के बारे में भी आप बात करिए, ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आज तक जो टीम फोर्स में जो 10 लोग ऐसे थे जिनके नाम के पहले एनटीसी या वो लगते थे, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि टीम फोर्स के अंदर एक और एक नाम है जिसके पहले एनटीसी करके लगा है, और कोई है ही नहीं, एनटीसी मिस्टर उमाकांत या शिवकांत सर है ना, शिवकांत सर है, और मैं सर को चाहता हूँ, शिवकांत शर्मा जी, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ये मतलब इसमें आप एनटीसी बन गए और आप बहुत जल्दी सीटीसी बने, आईटीसी बने, डायमंड भी बने, हमारा क्या बोलते हैं, दुआई है भगवान से, और मैं चाहता हूँ आप अपना एक मिनट का बातें लोगों का, एनटीसी का फीलिंग, जो एनटीसी बनने के बाद क्या फीलिंग आपको आ रहा है, क्या खुशी महसूस हो रहा है, तो जरा आप अपने लोगों के सामने जरूर रखिए। थैंक यू सर। ओके ओके, सो नमस्कार आप सब लोगों को, और स्पेशल थैंक्स नागेंद्र सर, आज मुझे आपने चांस दिया बात करने के लिए, और रियली अगर खुशी की बातचीत करूं तो खुशी शेयर नहीं किया है। मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं इस कंपनी के फाउंडर प्रवीण टंडन सर को, जिन्होंने हम जैसे गरीब लड़के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, आज हम लोग यहां पर पहुंच पाए।
और शिव कुमार सर और हमारे डायमंड लीडर संतोष सर, राजन सर, बाकी सारे के सारे हॉटलाइंस लीडर्स को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस इंडस्ट्री आप सब लोगों ने बनाया। नागेंद्र सर, आप सब लोगों ने बनाया मुझे, और हमारे गुरु मिस्टर सुंदर सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। रियली ये एनटीसी रैंक का जो फीलिंग है ना नागेंद्र सर, मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ रियली। हाँ, लेकिन एक चीज बोलूंगा कि इसके लिए रियली दिन रात हमने मेहनत किया, दिन रात मतलब हद से ज्यादा, अगर मेहनत हो सकती है तो उतना हमने मेहनत किया। लेकिन एक ड्रीम था कि मुझे भी एनटीसी बनना है, और फाइनली 2 अक्टूबर को एनटीसी घोषित कर दिया आप सब लोगों ने मिलके, सारे टीम फोर्स ने मुझे मिलके एनटीसी घोषित कर दिया। और मेरा आप सारे डीटीसीओं से, स्टार सिल्वर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एनटीसी बनेंगे तो एक एक्स्ट्रा रैंक हासिल हो जाएगा आप सब लोगों को, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया शिव कुमार सर, संतोष सर, राजन सर, सीटीसी नागेंद्र पुजारी सर, सीटीसी लीडर सुंदर सर, अरविंद प्रजापति सर, और अनिल सर, राकेश सर, मनीष सर, राजीव हुले सर, ऐसे सारे गुरुओं को मेरा नमन है। तो इन लोगों ने मुझे बनाया यहाँ तक, और रियली आज का जो फीलिंग है, मुझे विश्वास नहीं था कि नागेंद्र सर मुझे भी चांस देंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन सैल्यूट करता हूँ नागेंद्र सर को। आप सब लोगों को देखकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बस आज ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत काफी इस रैंक को लेकर मैं इमोशन हूँ, चूंकि मैं एक इमोशन इंसान हूँ और बहुत जल्दी मैं इमोशन हो जाता हूँ। तो बस थैंक यू नागेंद्र सर, और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप मुझे और आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं आपके रैंक पर आऊँ, मैं भी एमराल्ड बनूँ और सीटीसी बनूँ, और अपने टीम के लोगों को भी जल्दी से जल्दी एनटीसी बनाऊँ। थैंक यू नागेंद्र सर। ओके, बहुत अच्छी बात है सुकांत सर। मैं आपको लास्ट टाइम एक बार आई थिंक हम लोग पालघर में लास्ट मुलाकात थी हमारा, मतलब पर्सनली ऐसा मीटिंग में मैं आपको मिला था। और देखो सर कैसा है, चलिए वो हम लोग का टीम फोर्स यूनिटी है, लेकिन आपकी जो मेहनत है जो, और जो बोलते हैं ना सीखने की जो चाहत है, और बोलते हैं ना कि अपलाइन के लिए जो प्रति आपका जो प्यार है, ये सारा चीज जो है, और आपकी मेहनत भी बहुत लाजवाब है सर। मैं हम लोग आपको देखते हैं ग्रुप के अंदर भी, तो आपकी जो मेहनत है आपको यहाँ तक लाया है, और बोलते ना कि आप जल्दी सीटीसी भी जाओगे मुझे पूरा यकीन है, और बहुत जल्दी आईटीसी भी बनेंगे, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए सर। मेरा बेस्ट विशेष और एंटायर टीम फोर्स का साथ आपके साथ हमेशा खड़े रहे सर, ऑल द बेस्ट। अभी ये एन को निकल के सी का सी बड़ा लगाना है सीटीसी, उसके लिए तैयारी करिए। चलिए सर, थैंक यू, यस साथ है सर, साथ है सर, खड़े हैं हमेशा, अब हमारी दायरे में आ गए ना। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, फिर आई थिंक टाइम हो चुका है आज के प्रोग्राम में, हम लोग यहाँ पे फिलहाल पॉज करते हैं, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगले और भी कोई शानदार, मेरे से भी जानदार जानदार लीडर्स आपको मिलेंगे, और बहुत सारी अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस बनाएंगे। और मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने क्या सीखा ये इम्पोर्टेंट है, हमने क्या सीखा ये इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हमने उसके ऊपर क्या किया, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी ग्रोथ के लिए। आप सीखने के बाद उसके ऊपर क्या किए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीखते तो बहुत लोग हैं बॉस, एक डेढ़ घंटा बैठते हैं, समझते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद करते नहीं है। तो सीखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा करना इम्पोर्टेंट। ओके थैंक यू। और जाते जाते एक टिप है जो, और मैं देखे चलो निकलूंगा यहाँ से, हम लोग पॉज करेंगे। बात है कि अगर आप भी कोई मीटिंग्स ऑर्गेनाइजिंग करते हो, आप भी कोई जूम की मीटिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हो, तो अगर कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है तो आप किसी इंसान को नाम लेके बोलो मत कि बार बार कि आप वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, कुछ और बात हो सकती है, कुछ लोग उसमें हर्ट भी हो सकता है, इसमें भी इमोशंस आपका। मैं इसके लिए शुरुआत में ही बोल दिया कि बस आप लोग है तो एक बार अंगूठा दिखा दो, और दूसरी बात अपने हाथ में नहीं होता, और सीखने की जिसकी चाहत होती है, करने की किसी की चाहत होती है, वो अपनी जरूरी नहीं अपनी वीडियो ऑन करे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जानबूझकर नहीं करते, उनकी छोड़ दो यार, ऊपर वाला देख रहा है, तो वो बोलते हैं ना जो बोओगे वही काटोगे, वो आज तुम एप्पल बोओगे कल तुमको चिक्कू थोड़ी मिलने वाला है। जो इंसान वीडियो ऑन कर सकते हो वो भी नहीं कर रहा है, तो उनको ऊपर वाला देख रहा है, तुम क्यों परेशान होते हो। हाँ बस वो है करके हम दिखा दिया, तो टेंशन नहीं, तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करो, वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ, जो सिखाना चाहते वो सिखाओ। मेरा एक आपको छोटा सा एक
ये है टिप है, और लास्ट में हम लोग गोवा में मिलेंगे। दोस्तों देखिए, अगर अभी तक भी 10 तारीख को हमारा फाइनल डेट है, 10 तारीख को क्या होगा, गोवा का लॉकिंग होकर जाएगा, 300 लोगों को खाली वहां पे अवेलेबल है सीट्स और रूम्स भी, और अभी तक कुछ 265 लोगों का रजिस्ट्रेशन अमाउंट, कुछ लोगों का बाकी पेमेंट भी आया है, लेकिन ये 300 होते होते लॉक हो जाएगा। और आज आपको मैसेज भी आ जाएगा, 300 लोग का नाम भी, 365 का शायद नाम भी आ जाएगा, और 10 तारीख को लास्ट डेट है पूरा पेमेंट देने का। कैसा है इस बार स्ट्रीमफोर्स सिस्टम बहुत सारी चेंज करने वाली है, वहां पे आपको जाके कोई लीडर नहीं मिला, डायरेक्ट आपको रूम की चाबी मिलने वाली है। आप जाओगे अपने नाम बताओगे तो आपके नाम पे ऑलरेडी रूम अलॉटेड रहेगा। क्या दीपक सर गए वहां पे, राकेश सर गए, राकेश चौधरी सर जाके अपने नाम बताए, राकेश चौधरी सर आपकी ये रूम नंबर है, चाबी दे दिया, और आपका रूम पार्टनर दो दो लोग रहेंगे, वो लोग नाम बताएंगे तो उनको रूम नंबर बता दिया जाएगा। आप जाओगे वहां पे, बढ़िया एकदम सब सुविधा रहेगा आपको, दोपहर को 3 बजे तक मतलब मिनिमम, मतलब वो टाइम के पहले पहुंचना है, 3 बजे तक पहुंच सकते हैं आप। तो बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो एडवांस में करना जरूरी है। वहां पे देखिए होटल में आके पैसा देने वाला सिस्टम तो है ही नहीं है, 300 से ज्यादा क्राउड वहां पे अवेलेबल है ही नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, और आपको शायद डायमंड का भी शायद बात मीटिंग हुआ था उसमें भी बताए होंगे कि 300 तक के क्राउड लिमिटेड है, 300 से ऊपर हम नहीं लेके जा पाएंगे, वहां पे होटल का कंडीशन है। और आप 10 तारीख के पहले आपको पूरी पेमेंट देना है, तो प्लीज मेरे आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, तो आप लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाए, पेमेंट भी नहीं किए है, तो आप 10 तारीख से पहले अपनी पूरी पेमेंट दे दीजिए। और इसमें रूम अलॉट भी जो होगा सर, जो लोग पहली पेमेंट देंगे उनको अच्छे अच्छे रूम्स, देखो होटल्स के अंदर सब अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे में अच्छे होते हैं, जो पहले देते हैं उनको पहला दिया जाएगा। और उसमें कैसा है, कुछ रूम्स ऐसे है जो समझ लो एक 100 लोगों के लिए जो रूम है वो है थोड़ा रोड साइड वाला, मतलब रूम मस्त है लेकिन यार मजा नहीं आएगा यार, 5 स्टार की तो रूम की यार सोचो यार, तुम भाई बीच प्रॉपर्टी में जाके रह रहे हो और बीच की आनंद नहीं ले रहे हो, है ना, रात भर वो गैलरी में बैठ के जो मजा नहीं लो पाओगे, समुंदर को देख नहीं पाओगे, क्या कर रहे लोगों को देख नहीं पाओगे, तो यार क्या मजा है यार, पैसा तो सेम ही दे रहे हो। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपने नाम थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए, ताकि आपको पूरा रूम वहां के विंडो वाला ही मिल जाए भैया, चलेगा? तो जल्द से जल्दी करिए। और अभी तक आपका कोई टीसी अभी तक नहीं किया है, यहाँ पे कोई बैठा व्यक्ति अभी तक नहीं किया, तो जल्दी जल्दी कराइए, 10 तारीख। थैंक यू, धमाल करते हैं, होटल को समुंदर में लेके जाते हैं और समुंदर को होटल में लेके आते हैं। तैयार है? यस सर। अरे आप लोग के लिए बहुत कुछ है, कल एनटीसी मीटिंग हो गया था, इतना क्या क्या ऐसी चीजें है ना, मजा आ जाएगा सर, क्या अभी बताओ, बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता कोई इंसान होटल का रूम में सोएगा, शायद रेत में ही सो जाएगा समुंदर की रेत में, है ना। चलिए यार मजा आ जाएगा, इस बार का जो एलडीपी बहुत यादगार होने वाला है, कसम से मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ प्रोग्राम के लिए मैं, क्योंकि अभी आई थिंक मुश्किल से अभी 17 दिन ही बचा है, बस 22 तारीख कब आएगा वही मैं इंतजार कर रहा हूँ यार। आ जाओ यार, कमाल करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड डे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।